वर्ष कार्य किया। इस दौरान आपने आईआईटी कानपुर में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध किया। शुरू से ही देश की स्थिति से व्यथित श्री राजीव दीक्षित ने राष्ट्र निर्माण के लिए एक बड़ा कार्य करने का संकल्प किया और इसके ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और आपने अपने नौकरी छोड़कर महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर राष्ट्र के नव निर्माण के लिए इस आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की और इसकी इसका मुख्य कार्यालय महात्मा गांधी आश्रम सेवा ग्राम वर्धा महाराष्ट्र में ही है। श्री राजीव दीक्षित साल में 11 महीने पूरे देश में घूम के लोगों के बीच में एक जन जागृति का कार्य कर रहे हैं और आज उसी कड़ी में हमारे बीच में है। अगले माह से संस्कार टीवी पर आपके व्याख्यानों का प्रसारण शुरू हो रहा है और विज्ञान एवं तकनीकी में भारत और यूरोप आज के 50, 100, 200, 250 साल पहले कहां थे और अब आगे हमें क्या करना है, इस विषय पर आपको एक गंभीर उद्बोधन देने वाले हैं। तो 8 मिनट में आपको वंदे मातरम का थोड़ा इतिहास बता देता हूं। जैसे ही 11 बजेंगे तो हम सब वंदे मातरम गाएंगे। ये वंदे मातरम नाम का जो गान है जिसको हम भारत में राष्ट्रीय गान के रूप में जानते हैं, ये 7 नवंबर 1875 को लिखा भारत के एक बहुत महान व्यक्ति जिनका नाम था श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी बहुत क्रांतिकारी भारत के जो नागरिक थे उनमें उनकी गिनती होती है। जैसे आधुनिक युग में भगत सिंह का नाम, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला, ऐसे ही 1870 के आसपास वो बहुत काम करते थे बंगाल में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन में साधु संत साधारण नागरिक सब लोग शामिल थे और उस आंदोलन का एक ही लक्ष्य था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से हटाना। उस कंपनी के खिलाफ जो अभियान चला, इस अभियान में अनेक अनेक समय पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई। उनमें से एक दुर्घटना यह थी कि एक बार कलकत्ता में एक बहुत बड़ा जुलूस प्रदर्शन हो रहा था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उन्होंने भयंकर लाठी चार्ज किया और इतना लाठियों से पीटा कि कई क्रांतिवीरों की उसमें मृत्यु हुई। उस समय इनको बहुत चोट लगी, बंकिम चंद चटर्जी को, क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे। उस चोट ने इतना गहरा घाव किया उनके मन पर कि उन्होंने आजीवन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का संकल्प कर लिया। फिर बाद में उन्होंने एक उपन्यास लिखा, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आनंद मठ। ये आनंद मठ पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा। अंग्रेज कैसे भारत को लूट रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से कितना पैसा लेके जा रही है, भारत के लोगों को वो कैसे मूर्ख बना रहे हैं, ये सब बातें उसमें उन्होंने लिखी। और वो उपन्यास जब लिखा गया तो उसको अंग्रेजी सरकार ने बैन कर दिया। जिस प्रेस में छपने के लिए वो गया उस प्रेस को अंग्रेजी सरकार ने ताला डलवा दिया कलकत्ता में। तो फिर क्या हुआ कि उस उपन्यास का जो लिखित कागज थे, पन्ने थे, वो दूसरी जगह भेजे गए। फिर तो क्या हुआ, कुछ पन्ने एक जगह छपे, कुछ दूसरी जगह, कुछ तीसरी जगह, ऐसे करके पूरा वो छपा। बाद में वो बाजार में आया तो फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, उसकी जितनी भी प्रतियां थी उन सबको जला दिया। फिर दोबारा उन्होंने प्रयास किया। ऐसे करते करते लगभग 7 वर्ष में वो एक बार ठीक से निकलकर बाहर आया 1882, और उसमें उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसने पूरे देश में एक लहर पैदा की। शुरू में तो वो बांग्ला में लिखा गया, बाद में उसका हिंदी भाषांतर हुआ, मराठी भाषांतर हुआ, गुजराती हुआ, कई भाषाओं में, और वो भारत की एक ऐसी पुस्तक बन गया जिसको रखना हर क्रांतिकारी के लिए गौरव की बात होती थी। उसी पुस्तक में जगह जगह उन्होंने वंदे मातरम, ऐसा घोष हम सब करें, ये उनकी भावना थी, अपेक्षा थी। बंकिम चंद चटर्जी की एक बेटी थी, वो उनसे बार बार कहती थी कि आपने ये जो गान लिखा है, उनकी बेटी को वो पसंद नहीं था और अक्सर पिता और बेटी में बहस होती थी। उनकी बेटी का ये मानना था कि इसमें आपने शब्द ऐसे लिखे हैं जो आसानी से किसी के समझ में नहीं आ सकते, उनको समझाना पड़ता है, गान ऐसा होना चाहिए जो गाते से ही समझ में आया।
तो बंकिम चंद चटर्जी ने कहा कि तुम्हें आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद ये गान भारत का राष्ट्रगान बनेगा, हर भारतवासी इसे गाएगा और हर भारतवासी में यह जोश पैदा करेगा। ये गान भारत का राष्ट्रगान बन पाता उसके पहले श्री बंकिम चंद चटर्जी की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद जो वो कहकर गए थे वो सत्य साबित हुआ। सन 1905 में ये वंदे मातरम भारत का गान बन गया। 1905 में क्या हुआ था, अंग्रेजों की सरकार ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। अंग्रेजों का एक अधिकारी था करजन, उसने बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। दुर्भाग्य यह था कि यह जो बंटवारा हुआ वो हिंदू मुसलमान के आधार पर हुआ। हिंदू रहेंगे पश्चिमी बंगाल में, मुसलमान रहेंगे पूर्वी बंगाल में, ऐसा करके बंटवारा हुआ। इस बंटवारे का बहुत विरोध हुआ पूरे भारत में और इस विरोध को करने वाले तीन बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने इस बंटवारे का विरोध करने के लिए इस वंदे मातरम को आधार बनाया और उस दिन से सन 1905 से ये वंदे मातरम हर सभा में, हर कार्यक्रम में जो कुछ भी भारतवासी करते थे रोज गाया जाता था, शुरू में भी अंत में भी। धीरे धीरे ये इतना प्रचलित हुआ कि अंग्रेज सरकार इससे चिढ़ने लगे और अंग्रेजों को जहां कहीं भी वंदे मातरम सुनाई देता था वो या तो उसको बंद कराते थे, अगर वो चल रहा होता था ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर तो वो जब्त कर लिए जाते थे, जो गाएंगे उनको जेल में डाल दिया जाता था। तो भारत के क्रांतिकारियों को और ज्यादा जोश आता था और जोश से वो गाते थे। फिर अंत में क्या हुआ, एक दिन खुदीराम बोस, जो भारत का सबसे पहला क्रांतिकारी था जिसको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा हुई, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला वो नागरिक बना, मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसको फांसी हुई थी, तो खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा जब अपने गले में लटकाया तो वंदे मातरम कहते हुए लटकाया। उसी दिन से सभी क्रांतिकारियों ने अपने फांसी के होने से पहले इस वंदे मातरम को कहना शुरू किया। भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, जितने भी क्रांतिवीरों को जहां भी मौका मिला अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इस गाने को नारे के रूप में इस्तेमाल किया। ये वंदे मातरम इतना आगे बढ़ा कि आज संपूर्ण भारत देश में बच्चा बच्चा इसको जानता है, मानता भी है। और अभी थोड़े दिन पहले भारत सरकार के एक विभाग ने, जिसका नाम इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, आईबी डिपार्टमेंट, उन्होंने एक सर्वे कराया संपूर्ण भारत देश में। तो उस सर्वे में ये पूछा गया कि कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बहुमत के साथ वंदे मातरम को पहला गाना बताया। फिर उसी आईबी ने भारत के कुछ पड़ोसी देशों में सर्वे कराया जो पहले भारत के ही हिस्से थे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो पता चला वहां भी ये सबसे नंबर एक पर है। फिर जो भारतवासी भारत के बाहर रहते हैं, जिनको हम नॉन रेजिडेंट इंडियंस कहते हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के नाम से जानते हैं, उनके बीच एक सर्वे हुआ तो उन्होंने भी इसको सबसे पहला गाना बताया। और अभी थोड़े दिन पहले बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो इंग्लैंड की या ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी संस्था है जो रेडियो और टेलीविजन चलाती है, उन्होंने एक सर्वे कराया तो उनका कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला ये दूसरे नंबर का गीत है पूरी दुनिया, इतना ये लोगों के मन में बैठ गया है। तो ऐसा गाना जो हमारे देश की आजादी से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के लिए गौरव का प्रतीक है, वो आज हम सब पूरे भारतवासी एक साथ गाएं, ऐसा सरकार ने तय किया है। वैसे होना तो चाहिए था 7 नवंबर को, लेकिन सरकार का कहना है कि हम 2 महीने पहले करेंगे क्योंकि अगले 1 साल तक वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष मना रही है भारत सरकार, तो वो आज 7 सितंबर से शुरू हो रहा है, अगले साल 7 सितंबर तक चलेगा। ये शताब्दी वर्ष 2006 में क्यों मना रहे, होना तो चाहिए था 1975 में, क्योंकि लिखा गया ये 1875 में, लेकिन सरकार का ये कहना है कि सन 1905 और 1906 का जो आंदोलन था, बंग भंग आंदोलन या बंगाल के बंटवारे के विरोध का आंदोलन, चूंकि उस समय ये गाना सार्वजनिक हुआ
लोकप्रिय हुआ, गांव गांव ये गाया गया, तो उस तिथि को ध्यान में रख के सरकार का ये फैसला है। ये गई सही है गलत है हम इस बहस में नहीं जाना चाहते, लेकिन आज सारा देश 11 बजे ठीक इसको गा रहा है तो हम भी गाएं, और लगभग अभी 11 बज गए हैं, हम सब स्थान पर खड़े हो जाएं। आप में से कुछ विद्यार्थी हैं जो यहां आना चाहेंगे, जो वंदे मातरम गाने की विशेष रूप से जिनको अभ्यास है, आइए। ये माइक ले लीजिए, दूसरा माइक ये भी दे दो, ये वाला भी दे दो। संस्कृति में जो तकनीकी रही, क्योंकि तकनीकी जो होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है, वो सिविलाइजेशन और कल्चर में से निकलती है। दुनिया के सभी देशों की जो तकनीकी है वो अपनी अपनी सभ्यता में से निकली है, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो तकनीकी रही है वो क्या थी, और यूरोप की सभ्यता और संस्कृति की जो तकनीकी है वो क्या थी, इन दोनों पर बात करना आज के समय में मुझे थोड़ा जरूरी इसलिए लगता है कि हम भारतवासी जो आज की आधुनिक शिक्षा से पढ़कर निकले हैं, इनके मन में ऐसा एक भाव बैठा हुआ है कि जो भी तकनीकी है वो यूरोप और अमेरिका में ही है या वहीं से आई है, भारत में कोई तकनीकी उपलब्ध नहीं रही है। ये भाव हमारे मन में इतना गहरा है कि इससे हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास कर्मचारी तक खून में घुस गया है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे बहुत दुख हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान दिया। लगभग इस बात को एक साल होने जा रहा है। ये व्याख्यान उन्होंने दिया, संदर्भ ये था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि दी, ऑनरेरी डॉक्टरेट। आप जानते हैं दो तरह के डॉक्टरेट होते हैं, एक तो आप खुद करें रिसर्च पीएचडी, और एक कोई यूनिवर्सिटी आपको दे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऑनररी डॉक्टरेट दिया। उसका एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में। उस फंक्शन में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे डिग्री लेने के लिए, और अंग्रेजी सरकार के सभी मंत्री, प्रधानमंत्री और उनकी जो राष्ट्रपति है ना, रानी मानी जाती है, वो सब मंच पर बैठे हुए थे। इंग्लैंड में एक परंपरा है कि जिस कार्यक्रम में रानी आती है, क्वीन, उसका स्थान हमेशा ऊंचा रहता है और बाकी सभी मंत्री प्रधानमंत्री थोड़ा नीचे रहते हैं, तो उसका जो पोडियम होता है वो थोड़ा ऊंचा होता है। तो उस दिन ऐसा ही हुआ, रानी तो बहुत ऊंचे बैठी थी, बाकी सभी मंत्री थे, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री भी बैठे हुए थे। तो जब डिग्री देने का कार्यक्रम हुआ तो मनमोहन सिंह को बुलाया गया, उन्होंने डिग्री लिया और रानी के चरणों में प्रणाम किया। ये देखकर मुझे बहुत धक्का लगा, बहुत ही ज्यादा लगा। धक्का क्यों लगा? एक तो सबसे बड़ा धक्का ये लगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं,
अगर खाली डॉक्टर मनमोहन सिंह होते किसी स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर तो धक्का लगने की बात नहीं है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंग्लैंड की रानी के सामने झुक रहे हैं, कोई परेशानी नहीं, उनके प्रति अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से वो वहां गए थे और उन्होंने जिस तरह से झुककर प्रणाम किया, बीबीसी पर मैंने देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। दूसरा दुख उससे भी ज्यादा ये हुआ कि उन्होंने 40 मिनट का एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए। यहीं से उनकी शुरुआत हुई, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो भारत में आए, अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते तो भारत कुछ भी नहीं होता। फिर आगे उन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत में आकर विज्ञान और तकनीकी हमको दिया, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत को अंग्रेजी भाषा सिखाई, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो उन्होंने भारत में आकर न्याय पद्धति दी, जुडिशियल सिस्टम, हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं कि अंग्रेजों ने भारतवासियों को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन माने ये जो प्रशासन है पूरा का पूरा, पुलिस होती है, एसएसपी होते, आईजी, डीआईजी, डिप्टी कलेक्टर, डीएम वगैरह वगैरह, ये सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कह रहे थे कि मैम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने भारत को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया, और हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जो वो 200 साल भारत में रहे और कुछ ना कुछ हमारे लिए करते रहे। फिर आगे वो बोलने लगे कि अंग्रेजों ने भारत को रेल दिया, अंग्रेजों ने भारत को पोस्ट एंड टेलीग्राफ दिया, आदि 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 आदि। 40 मिनट यही गाना वो गाते रहे और मैं ध्यान से उसको सुनता रहा और पूरा मैंने उसको रिकॉर्ड किया क्योंकि ये डायरेक्ट टेलीकास्ट था बीबीसी पर। फिर उसके बाद मैंने मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखा और वो पत्र लगभग 250 पन्ने का हो गया, माने पत्र नहीं वो किताब हो गई पूरी। और उसमें मैंने लिखा ये कि हमें बहुत शर्म है कि आप भारत के प्रधानमंत्री। यहीं से मैंने शुरुआत की, पहला वाक्य ये कि हमें बहुत शर्म है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं जो आजादी मिलने के 59 साल के बाद भी अपनी मानसिक गुलामी को दूर नहीं कर पाए। हमें बहुत शर्म है कि आपने अंग्रेजों की रानी के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके कागज का एक टुकड़ा लिया है जिसका कोई अर्थ नहीं। ये जो ऑनररी डॉक्टरेट होती है ना, इसका कोई मतलब नहीं होता है, आप इसे कभी भी एनकैश नहीं करा सकते। जैसे किसी को ऑनररी डॉक्टरेट मिल जाए और आपके कॉलेज में वो कहे अब मुझे प्रोफेसर बना दो क्योंकि डॉक्टरेट मिल गई है, तो वो प्रोफेसर नहीं बन सकता, उसको प्रोफेसरशिप चाहिए तो दूसरा ही डॉक्टरेट करना पड़ता है जिसको पीएचडी कहते हैं, कोई यूनिवर्सिटी उसको मान्यता नहीं देती। बस इतना ही है कि झूठ मूठ का नाम के सामने आप डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो मैंने कहा कि इस झूठ मूठ के कागज के टुकड़े का कोई महत्व तो नहीं है, ना भारत में ना दुनिया में। ये ठीक है कि आपने अंग्रेजों की सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले को स्वीकार किया, सच्चे भारतवासी को तो ये छोड़ देना चाहिए था। फिर मैंने उसमें एक वाक्य लिखा कि एक है आप सरदार मनमोहन सिंह और एक सरदार हुआ भगत सिंह, एक आप हैं सरदार मनमोहन सिंह और एक सरदार हुआ ऊधम सिंह, हम किसकी वंदना करें, प्रश्न चिन्ह लगा के मैंने। फिर मैंने अंतिम पैराग्राफ में लिखा कि ये पत्र मैं आपको भेज रहा हूं, इसके साथ 249 पन्ने और भेज रहा हूं, पत्र तो एक ही पन्ने का है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप ध्यान से देखें तो आपको ये पता चलेगा कि अंग्रेजों के आने के पहले भारत की शिक्षा क्या थी, तकनीकी कैसी थी, विज्ञान कैसा था, ज्ञान कितना था, व्यापार कैसा था, उद्योग कैसे चलते थे, समाज व्यवस्था कैसी थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, और अंग्रेजों के आने के पहले के भारत की तस्वीर कैसी थी। और मैंने कहा उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और ना सिर्फ पढ़ेंगे बल्कि अपने मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के बीच में सर्कुलेट करेंगे ताकि उनके मन से ये भ्रम निकल जाए कि जो कुछ दिया भारत को वो अंग्रेजों ने दिया, भारत के पास अपना कुछ भी नहीं था। ये पत्र जब गया उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी गए, मोटा सा पुलिंदा, तो उनका एक पत्र आया और उनके सेक्रेटरी ने लिखा कि आपका पत्र मिला, कार्यवाही के लिए भेजा गया। अब कार्यवाही क्या उस पर, मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल में सर्कुलेट कर दीजिए, तो शायद उन्होंने किया होगा, उसके बाद दूसरा कोई पत्र उनके यहां से नहीं आया।
मैंने एक फॉलो अप लेटर लिखा कि आप या तो इन दस्तावेजों को नकारिए और या इसको स्वीकार करिए, बीच की स्थिति आपकी मैं रहने नहीं दूंगा। या तो कहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, हम इनको नहीं मानते, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इनको सिद्ध कर सकता हूं कि ये सही है कि गलत है, और या आप कहिए कि आपने जो भाषण दिया था ऑक्सफोर्ड में वो गलत था और पूरे देश से माफी मांगिए कि मैंने भारत की बेइज्जती कराई ऑक्सफोर्ड में जाकर। मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि लंदन में जब इनका ये भाषण हो गया, अगले दिन सभी अखबारों में छपा। लंदन से बहुत अखबार निकलते हैं, उनमें से एक है लंदन टाइम्स, उसने एडिटोरियल लिखा। दूसरा एक अखबार निकलता है गार्जियन, उसने भी एडिटोरियल लिखा। दोनों ने लिखा कि हमारे देश के एक नेता ने सन 1945 में भारत के बारे में कहा था कि ये भारत आजाद होने लायक देश नहीं है, और ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस समय बहस चल रही थी कि भारत को आजाद किया जाए कि ना किया जाए, तो विंस्टन चर्चिल इस फेवर में था कि भारत को आजादी ना दी जाए, और क्लेमेंट आर एटली उस समय प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, वो इस फेवर में था कि भारत को आजाद कर दिया जाए। तो चर्चिल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दिया और कहा कि भारत आजाद होने लायक देश नहीं है, क्योंकि इस भारत देश को हम आजादी देंगे तो फिर जो लोग भारत को चलाएंगे वो सब मानसिकता में अंग्रेज हैं, शरीर से दिखने में वो भारतीय हैं लेकिन आत्मा उनकी अंग्रेजियत वाली हो चुकी है, इसलिए ये बार बार अपने ही लोगों का अपमान कराएंगे, तो अच्छा है कि इसको गुलामी रहने दो। और ये बात गार्जियन ने लिखी, लंदन टाइम्स ने लिखी, और कहा कि आज भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1945 के विंस्टन चर्चिल के स्टेटमेंट को सत्य साबित किया है कि भारत के शासक अभी भी मानसिक रूप से गुलाम है। ये जो मानसिक गुलामी है, अपने बारे में गलत सोचने की, अपने को उल्टा मानने की, छोटा मानने की, हम कुछ भी नहीं है, हमारी काबिलियत नहीं है, हमारे अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है, हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़े हैं, दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है, ये एक तरह की भावना है जिसको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है अंग्रेजी। ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मनमोहन सिंह में है, ऐसा नहीं है, हर पढ़े लिखे आज के हिंदुस्तानी में ये दिखाई देता है। मनमोहन सिंह से पहले भी कई प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं जिनमें यह जबरदस्त था, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हमारे पहले ही प्रधानमंत्री नेहरू जी कहा करते थे कि साइंस और टेक्नोलॉजी तो सब यूरोप में है, भारत में सीखने लायक तो कुछ भी नहीं। तो ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आजादी के बाद से पंडित नेहरू के जमाने से चल के आज मनमोहन सिंह तक पहुंचा है, और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आजादी के 60वें साल के बाद भी हम भारत के बारे में जानते नहीं है कि अंग्रेजों से पहले का भारत कैसा था। आज का व्याख्यान मैं आप विद्यार्थियों के सामने इसलिए दे रहा हूं कम से कम आपके दिमाग से ये इन्फीरियोरिटी निकल जाए कि भारत अंग्रेजों के पहले बहुत गरीब, पिछड़ा हुआ और खराब देश था। मैंने जो दस्तावेज डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजे हैं उन्हीं में से कुछ आपको भी बताऊंगा। दुर्भाग्य आज मेरा यह है कि यहां LCD प्रोजेक्टर नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता वो डॉक्यूमेंट्स। हमारे भारत देश के बारे में पिछले 10-15 वर्षों से मैं कुछ दस्तावेज इकट्ठे कर रहा हूं। मेरे एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनकी मदद से ये काम मैं कर रहा हूं, और वो मुझे बार बार ये कहते हैं कि भारत की जो नई पीढ़ी है इसके मन से मानसिक गुलामी निकालो तो भारत अपने आप ऊपर आ जाएगा। वो ये कहते हैं कि भारत में किसी चीज की कमी नहीं है, ना तो यहां संसाधनों की कमी है, ना तो यहां ज्ञान की कमी है, ना तो यहाँ के लोग मेहनती नहीं है, मेहनती बहुत है, संसाधनों भरपूर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसका कारण क्या है, वो अंग्रेजों की दी हुई मानसिक गुलामी अभी तक चल के आ रही है। मैं आपको भारत के एक वैज्ञानिक के कथन से आज का व्याख्यान शुरू करता हूं। आपको मालूम है इस देश में एक महान वैज्ञानिक हुए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस, जिनको यूरोप ने बहुत साल के बाद नोबेल पुरस्कार के लायक माना। आप जानते हैं उनकी रिसर्च कितनी बड़ी है, उनकी रिसर्च के बारे में सारी दुनिया कहती है कि अगर प्रोफेसर बोस ने हमको ये नहीं समझाया होता तो कोई दुनिया में ये मानता नहीं था, जानता भी नहीं था कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये भी हंसते और रोते हैं,
इनको भी दर्द होता है, इनमें भी दया प्रेम करुणा और मोहब्बत होती है, ये उन्होंने सिद्ध किया था। और उसके लिए ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। उनकी इसी खोज पर वर्षों बाद यूरोप के लोगों ने और वैज्ञानिकों ने मिलकर उनको नोबेल पुरस्कार देने की बात कही थी। उन्होंने जब नोबेल पुरस्कार लिया था उसके पहले उन्होंने बहुत कुछ लिखा था अपने प्रयोगों के बारे में। उनकी लिखी हुई 2-3 पुस्तकें मुझे पढ़ने का मौका मिला है और उनके लिखे हुए लेख तो मैंने सभी पढ़े हैं बार बार। मेरे अपने फाइल में, मेरे अपने कलेक्शन में उनके सभी आर्टिकल्स हैं। तो एक जगह वो लिख रहे हैं कि मैं जब ये प्रयोग कर रहा था कि पौधों में जान होती है या नहीं, तो उन्होंने क्या किया था, अपने घर में 2 हिस्से किए थे। एक हिस्से में कुछ ऐसे पौधे रख दिए थे उन्होंने जिनको वो रोज सवेरे ही उठकर गालियां देते थे, और एक हिस्से में उन्होंने ऐसे पौधे रखे थे जिनको रोज सवेरे उठकर वो एप्रिशिएट करते थे, उनका गुणगान करते थे। कुछ पौधे एक तरफ जिनको वो बोलते थे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बहुत काबिलियत है, तुम में बहुत सारे गुण है, तुम्हारे इतने इतने गुण है, ये मैं जानता हूं, तुम भगवान के दूत हो, ऐसी अच्छी अच्छी बातें उनके सामने बोलते थे रोज। और दूसरी तरफ के कुछ पौधे थे उनको बोलते थे तुम निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं है, तुम्हारी सूरत भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी खुशबू बहुत खराब है, तुम में कोई गुण नहीं है, दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हुए, रोज बोलते थे रोज। फिर उन्होंने देखा कि 6 महीने में उसका अंतर, कुछ पौधों को बोलना कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनको अच्छा अच्छा बोलना, एप्रिशिएट करना, कुछ पौधों को गालियां देना कि तुम बहुत खराब हो, नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो। तो प्रोफेसर बोस लिख रहे हैं कि जिन पौधों को मैं रोज गाली देता था 6 महीने के बाद वो सब सूख गए, सब सूख गए, जबकि उन पौधों को वो बराबर पानी देते थे, हर 15 दिन में खाद डालते थे, फर्टिलाइजर भी देते थे, पानी भी देते थे, और जरूरत पड़ने पर उनको दवाएं भी स्प्रे करते थे, लेकिन उनको गालियां रोज देते थे। और दूसरी तरफ के जो पौधे थे उनको भी वो खाद देते थे, पानी देते थे, उतना ही जितना इधर वाले पौधों को देते थे, लेकिन उनके गुणगान बहुत करते थे, प्रशंसा बहुत करते थे। तो जिन पौधों की उन्होंने बहुत प्रशंसा की, गुणगान किया, वो 6 महीने में 2 गुनी ऊंचाई पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जिस पौधे में 2 या 3 पत्ते होते थे उसमें 6-7 पत्ते आ गए, जिसमें 6-7 पत्ते थे उनमें 12-13 हो गए, जिनमें 12-13 थे वो 24-25, माने सबका ग्रोथ 100% बढ़ा 6 महीने में। और जिनको गालियां दी वो सब सूख गए, मुरझा गए, पानी देने के बाद भी, खाद देने के बाद। तो प्रोफेसर बोस ने लिखा कंक्लूजन में कि पौधे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर आप उनको गालियां देंगे, उनको नालायक निकम्मा सिद्ध करेंगे, तो वो मर जाने ही वाले हैं, डूब जाने ही वाले हैं। ये तो कहानी प्रोफेसर बोस की। अब मैं ये कहानी लागू करता हूं भारत के उन लोगों पर जो अपने देश को हमेशा हीन मानते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को गालियां देते हैं। अब जरा सोचो कि पौधों को अगर हम नालायक निकम्मा, कामचोर और अवगुण वाला कहें तो वो सूख जाते हैं। अंग्रेजों ने यही बात हमको 200 साल तक कही, भारतवासी निकम्मे हैं, नालायक हैं, भारत की संस्कृति बेकार है, भारत की सभ्यता बेकार है, यहाँ का खान पान अच्छा नहीं है, यहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं है, ये लोग तो बिल्कुल कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता, बात करने का सलीका नहीं आता, हम अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, हमारा रंग बहुत अच्छा है, हमारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, हमारी सभ्यता बहुत महान है, हमारी संस्कृति, ये गाना अंग्रेजों ने 200 साल गाया। जो भी अंग्रेज अधिकारी भारत में आता था पद ग्रहण करने के बाद वो यही गाना गाता था, रोज अखबारों में ये छपता था, क्योंकि उस जमाने के अखबार सब अंग्रेजों के ही कब्जे में थे, तो ज्यादातर न्यूज पेपर में ये छपता था। तो भारतवासियों ने सुनते 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 200 साल में मान ही लिया कि शायद यही सत्य है। आपने सुना है एक झूठ को बार बार कहें, बार बार कहें, बार बार कहें, 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल, तो वो सत्य ही लगने लगता है। तो हमने भी मान लिया कि हाँ यही सत्य है, हम नालायक है, निकम्मे है, नकारा है, हमको ना विज्ञान मालूम है, ना तकनीकी मालूम है, हमें कुछ नहीं आता है, जो कुछ हमने सीखा वो अंग्रेजों से सीखा, ये हमने भी मानना शुरू किया। और शायद उन्हीं में से एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं में से एक हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं में से कुछ हैं जो भारत की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और रोज भारत को गालियां देते हैं और दिलवाते हैं।
ऐसे लोगों की आंखें थोड़ी खुले, उस दृष्टि से मैंने कुछ दस्तावेज इकट्ठे करना शुरू किया। और मेरे गुरु धर्मपाल जी ने एक दिन मुझे कहा कि देखो, अगर भारतवासी नालायक होते, निकम्मे होते, नकारा होते, कामचोर होते, इनमें कोई गुण ही नहीं होता, तो हजारों लाखों साल से ये भारत देश चल कैसे गया होता। आप जानते हैं भारत कितना पुराना? नहीं मालूम, कम से कम 1 करोड़ वर्ष की बात कही जाती। दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट भारत के बारे में अब ये मानने लगे हैं कि ये देश हजारों नहीं, लाखों नहीं, कुछ करोड़ वर्ष पुराना है। और कुछ करोड़ वर्ष की जब हम गिनती करते हैं तो भारत में गिनती वहां से शुरू होती है जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, भरत। और भरत का जन्म आज से 8 करोड़ कुछ लाख वर्ष पहले हुआ। आज का नहीं है भरत, 2-5 हजार साल का नहीं। और ये पुराने शास्त्र जो हमारे हैं, जहां पर ये कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगभग 8.5 करोड़ साल के आसपास बैठता है। इतना पुराना देश। तो एक दिन मेरे गुरु ने कहा कि सोचो, जरा कल्पना करो, भारत की कहानी पुराने शास्त्रों में भगवान आदिनाथ से शुरू है, जैन समाज के जो सबसे पहले तीर्थांकर हुए उनके समय से शुरू। अब वो सारे के सारे दस्तावेजों को दुनिया के सामने जब रखते हैं तो वो ना तो उनको स्वीकार करते हैं ना नकार पाते। वो ये नहीं कहते कि ये गलत है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये समझने में तकलीफ होती है कि कोई देश करोड़ों साल से कैसे जिंदा रह सकता है। कारण क्या है? अमरीका 250 साल पुराना है, ब्रिटेन मुश्किल से 2000 साल पुराना है, फ्रांस लगभग 2500 साल पुराना है, जर्मनी लगभग 3-1 हजार साल पुराना है, और इनमें सबसे पुराना देश जो माना जाता है ना वो इटली है, वो करीब 4.5 हजार साल पुराना है। इटली के पहले कोई देश नहीं था, और ये इटली वही देश है जिसको पुराने जमाने में रोम कहा जाता था। तो रोम के समय से वो गिनते हैं कि हमारे यहां तो यहां से शुरुआत हुई है। तो उनके यहां अधिक से अधिक पुराना देश कोई है तो वो 5 हजार साल मान सकते हैं, भारत करोड़ साल के ज्यादा है, तो वो कंपेरिजन करते हैं तो ये मानते नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि इनको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि भारत में 8.5 करोड़ साल पहले के बहुत सारे प्रमाण और चिन्ह ऐसे मिलते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये देश पहले था। तो इतना पुराना देश बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के कैसे चल गया, बिना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे चल गया, बिना किसी न्याय व्यवस्था के कैसे चला, बिना किसी चिकित्सा व्यवस्था के कैसे चला, ये तो एकदम असंभव है। और अगर आप भारत को थोड़ा ठीक से जाने और घूमे भारत में, तो किसी भी गांव में चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में, उस गांव का इतिहास कम से कम आपको 1000 साल पुराना मिल जाएगा। मैंने हिंदुस्तान में 10,000 गांव देखे हैं पिछले 15 साल में, कोई भी गांव 500 साल से कम पुराना नहीं है। 500 साल तो मिनिमम एज है उनकी। और वो अपनी एज कैसे गिनते हैं? उन सभी गांवों में कोई ना कोई ऐसा मंदिर है जिसको बनाने की डेट उस पर लिखी हुई है। और मंदिर तभी बनता है जब कोई बस्ती बस जाती है। कोई खाली स्थान में मंदिर नहीं बना करते। जहां मनुष्यों की बस्तियां होती हैं, मनुष्यों के गांव बस जाते हैं, वहीं मंदिर बना करते। तो इन सभी गांवों में जो मैंने देखे हैं 10,000 गांव, वो सभी गांवों में कोई मंदिर है, कोई देवालय है, भले वो टूटा हुआ है, भले कुछ खंड खंड है, लेकिन उसमें कोई प्रस्तर लगा है, पत्थर लगा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये मंदिर इस साल में बनाया गया। और वो लिखा है उनकी स्थानीय भाषा में। जैसे तमिलनाडु में आप देखो तो तमिल में लिखा है, कर्नाटक में देखो तो कन्नड़ में लिखा है, गुजरात में जाओ तो गुजराती में लिखा है, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी में लिखा है। तो वो कहते हैं कि ये मंदिर इतना पुराना तो हमारा गांव भी उतना पुराना। और कुछ कुछ गांव में मैं जाता हूं तो वो तो ये कहते हैं कि यहां पर भीम आए थे और उनका पैर बना है, देख लो आ जाओ। हाँ, और आप उनसे बहस कर लो आप हार जाओगे। वो कहते हैं यहां भीम आए थे, भीम का पांव इतना बड़ा है, देखो उनकी गदा यहां रखी थी, वो पत्थर आज भी बताता है कि यहां भीम का पांव है। कुछ कुछ गांव कहते हैं अर्जुन घूमते घूमते यहां आ गए थे एक बार जब वो अज्ञात वास्तव में थे। पांडव यहां आए थे, उन्होंने इस गुफा में रहने का 20 दिन 25 दिन कार्यक्रम किया था।
तो अब ये अर्जुन हैं, पांडव हैं, भीम हैं, ये तो आज के नहीं है, ये तो लगभग 5000 साल पुराने हैं। माने कई गांव ऐसे हैं जो 5000 साल पुराने हैं। तो इतना पुराना देश जहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो तो कैसे चलता है? आप जरा अपने घर के बारे में कल्पना करो, आपका घर अगर पुराना होता जाए तो उसको टिकाए रखने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ ना कुछ करनी पड़ती है, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक रखनी पड़ती हैं, तब जाके घर ज्यादा दिन तक टिकता है। अगर हम घर की देखभाल करना बंद कर दें तो घर बहुत दिनों में खंडर हो जाएगा। ऐसे ही देश की देखभाल अगर नहीं हो तो देश भी खंडर हो जाएगा। लेकिन यहां देखभाल हुई होगी तो इतने सालों से यह देश चल रहा। भारत में बहुत सारे गांव हैं जिनके नाम महाभारत की कहानियों में गिने जाते हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। बहुत सारे गांव, उनके नाम बिल्कुल स्पष्ट, और उन गांव में रहने वाली जातियों के नाम महाभारत की कथाओं में कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। तो ये कोई झूठ मूठ तो हो नहीं सकता। और अभी दुनिया के आधुनिकतम विज्ञान के केंद्र नासा ने स्वीकार किया है कि ये जो महाभारत कभी हुआ वो कल्पना नहीं है, वो सच्चाई है। और अभी नासा ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए हैं जो ये बताते हैं कि कभी कुरुक्षेत्र हुआ करता था जहां पर इस तरह के युद्ध हुए हैं। और उसी नासा ने अभी कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं जो सैटेलाइट की मदद से लिए गए हैं कि भगवान श्री राम के जमाने का बनाया हुआ पुल जिसका नाम है सेतु समुद्रम, वो आज भी जीवित है मद्रास से 40 नॉटिकल माइल की दूरी पर। और वो पुल शुरू हुआ है भारत से और गया है श्रीलंका तक। तो हमने तो पढ़ी है कहानी कि रामचंद्र जी ने पुल बनाया था, उसमें नल और नील दो बड़े कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हुआ करते थे, सिविल कंस्ट्रक्शन का जिनको बहुत नॉलेज था उन्होंने वो पुल खड़ा किया था। पढ़ाए कि नहीं पढ़ा? अब मैं नल और नील को कंस्ट्रक्शन इंजीनियर इसलिए कह रहा हूं कि आपको जल्दी समझ में आया। अगर उस जमाने का शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप ढूंढेंगे ये मतलब क्या है इसका। तो नल और नील ने वो पुल बना दिया था, और वो पुल का डेटिंग अभी हुआ है, नासा ने डेटिंग किया है, कार्बन डेटिंग आप सब समझते हैं, तो 5,13,000 कुछ सौ साल पुराना वो पुल है और अभी भी सुरक्षित है। बस इतना ही है कि पहले वो समुद्र के ऊपर होता था, अब नीचे चला गया। नीचे कैसे चला गया? अब पिछले 5,13,000 साल में कितनी सुनामी आए होंगे। एक सुनामी तो हमने देखा अपनी आंखों के सामने जिसमें 20-20 मंजिल की बिल्डिंग पानी में चली गई। तो हजारों सुनामी आए होंगे, उससे पानी में चला गया लेकिन टूटा नहीं है, क्रैक भी नहीं हुआ है। उसके सारे फोटोग्राफ्स बताते हैं कि वो पूरा का पूरा सुरक्षित है। अब शुरू होती है हमारी बात कि अगर 5,13,000 साल पहले बनाया गया कोई पुल आज भी सुरक्षित है तो कोई तो टेक्नोलॉजी रही होगी उस पुल को बनाने की, ऐसे ही तो नहीं बन गया वो। मैंने हमारे कुछ दोस्तों से कहा कि भाई नासा के पास इसके बारे में जितनी जानकारी है वो सब भेजो। कुछ हिंदुस्तानी है जो नासा में काम करते, जब नासा ने पहली बार ये फोटोग्राफ्स रिलीज किए ना तो सबसे पहले यूरोप के कुछ जर्नल्स में छपे, फिर बाद में न्यूज़पेपर में छपे, बाद में हिंदुस्तान के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में छपे। मैंने वो मंगाए तो अब नासा के वैज्ञानिक यहां तक कहते हैं कि ये पुल ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इसकी डिजाइन भी पूरी सुरक्षित है। और इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत में आज से 5,13,000 साल पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी। वो पुल पता है कैसा है? उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो पत्थर से बना हुआ है, ईंट का इस्तेमाल उसमें नहीं है। और भारत में आज से लाखों साल पहले पत्थर ही इस्तेमाल होते थे, ये ईंट बनना तो पिछले 1,500-2,000 साल में आया, उसके पहले पत्थर ही होते थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, वो आज भी सुरक्षित है। आप जानते हैं आधुनिक विज्ञान ने एक टेक्नोलॉजी लाई है जिसको सीमेंट कहते हैं। सीमेंट की मैक्सिमम लाइफ कितनी है? कितनी है? 2500 साल मैक्सिमम, 100 इयर्स। दुनिया के सीमेंट तकनीकी में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक कहते हैं कि सीमेंट की अधिकतम जिंदगी 100 साल है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक तो यहां तक कहते हैं कि अधिकतम जिंदगी की परिभाषा क्या? अधिकतम जिंदगी की परिभाषा अगर हम ये माने कि जब तक ये खंड खंड ना टूटे तब तक,
या हम यहीं से मानना शुरू कर दें कि बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई बनने के कितने दिन बाद क्रैक्स आ जाते हैं, यहां से शुरू करें, तब तो सीमेंट की जिंदगी 5 साल भी नहीं है। अच्छी से अच्छी बिल्डिंग को देख लेना, आज बनी है, साल भर बाद उसमें क्रैक्स दिखाई दे जाएंगे। तो कई वैज्ञानिक तो कहते हैं कि अगर क्रैक्स को हम आधार बनाएं, तब तो ये 5 साल की जिंदगी भी नहीं है सीमेंट की, लेकिन पूरी बिल्डिंग खंड खंड टूट जाए तो 100 साल है। तो हम मान लें कि 5 साल से लेकर 100 साल है। अच्छा, अब दूसरी बात बताता हूं। आपने कभी भारत का कोई किला देखा है? फोर्ट? राजस्थान में तो आप हैं, यहां 2-3 किले बड़े मशहूर हैं। आमेर का एक किला है जयपुर में, जोधपुर का एक किला है, जैसलमेर का है, चित्तौड़गढ़ का है। ये सब किलों में आप जानते हैं सीमेंट लगा है? नहीं, चूना लगा है। चूना की मैक्सिमम लाइफ मालूम है कितनी? अगर वो 5 साल और 100 साल की कहानी कहें सीमेंट के बारे में कि क्रैक्स पड़ना शुरू हो वहां से जोड़ें तो 5 साल और खंड खंड टूटे तो 100 साल, अगर चूने को ऐसा कहना शुरू करें तो चूने की मिनिमम लाइफ 500 साल है और मैक्सिमम लाइफ 2 से 2500 साल। भारत के जितने भी किले हैं ना, आमेर में देखो या चित्तौड़गढ़ में या दक्षिण में चले जाओ या पश्चिम भारत में, बहुत सारे किले 250-300 साल से लेकर 1000-1200 साल पुराने। और इनमें दीवारों में क्रैक्स नहीं है, पत्थर उखड़ कर गिर जाएगा, क्रैक नहीं आएगा कभी। मतलब क्या है? मतलब यह है कि चूने की टेक्नोलॉजी सीमेंट से कुछ ऊंची तो है। और आप जानते हैं सीमेंट और चूने का रॉ मटेरियल एक ही है, ये मालूम है ना? दोनों का रॉ मटेरियल एक ही है, इसका माने बनाने की जो तकनीक है उसमें कुछ अंतर है। सीमेंट उसी रॉ मटेरियल से बनता है जिससे चूना बनता है, बस अंतर इतना है कि सीमेंट यूरोप में बना है, चूना भारत में बना है। चूना 500 साल तो कम से कम जिंदा रहता है, 2500 साल तो अधिकतम जिंदा रहता है, सीमेंट तो 100 साल से भी कम समय तक ही जिंदा रहता है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी ऊंची है, चूने की कि सीमेंट की? अब आप ये कहेंगे कि अगर ये चूने की टेक्नोलॉजी बहुत ऊंची है तो हम घर क्यों नहीं बनाते इससे? ये प्रश्न आएगा कि नहीं मन में? हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि हम चूने से ही घर बनाया करते थे आज से 150 साल पहले तक। जितने घर आप देखो ना भारत में पुराने 150 साल 200 साल, वो चूने से ही बने हैं। हम 150 साल पहले तक सभी भारतवासी चूने से ही घर बनाते थे, और जो भारतवासी थोड़े गरीब होते थे वो मिट्टी से घर बनाते थे। और अभी भी कुछ भारतवासी गिने चुने हैं जो चूने से बनाते हैं, लेकिन मेजोरिटी में आज सीमेंट इस्तेमाल करते हैं। पिछले 150 साल में हुआ ये कि जो देश में चूना बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हजारों साल में, अंग्रेजों ने उस टेक्नोलॉजी को बैन किया था। और इस देश में पता है अंग्रेजों ने क्या किया था? 1850 के आसपास एक कानून बना दिया था कि चूने का काम करना गैर कानूनी है और सीमेंट से घर बनाना कानूनी है। तो हुआ यह कि जो लोग चूने से घर बनाए, अंग्रेज सरकार जेल में डालती थी उनको, उनके घर तोड़ दिए जाते थे, बुलडोजर लाला के उनके घर पे चला दिए जाते थे। जो सीमेंट से बनाए उनका एप्रिशिएशन होता था। कारण क्या था? अंग्रेजों को अपनी कंपनियों का सीमेंट बिकवाना था इस देश में और चूने की इंडस्ट्री को खत्म करना था। आप जानते हैं कि चूना और सीमेंट का रॉ मटेरियल एक ही है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से जो चूने का रॉ मटेरियल है वो सब शिप्स में भर भर के इंग्लैंड भेजना शुरू किया, वहां से वो सीमेंट बन के भारत में आना शुरू हुआ। हमको चूना मिलता नहीं था घर में बनाने के लिए, सीमेंट आसानी से उन्होंने उपलब्ध करा दिया। तो भारत में पहले चूना बनाने के छोटे छोटे केंद्र होते थे, छोटे छोटे, लगभग हर गांव में एक, कभी कभी 2 गांव के बीच में एक। चूने बनाने के केंद्र आपने कभी देखे हो तो उसमें कोई बड़ी भारी मशीन नहीं लगती है, एक छोटा सा खड्डा खोदा जाता है सर्कुलर, कुछ करीब करीब 5-6 फीट गहरा होता है, और एक मोटा सा पत्थर का पहिया बनाया जाता है। उस पहिए के नीचे चूने का जो रॉ मटेरियल है, सोप माने सॉरी स्टोन,
जिस स्टोन से चूना बनता है जिसको लाइम स्टोन कहते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस सर्कुलर शेप की जो खाई है ना ट्रेंच, उसमें डाल देते हैं। उसके ऊपर वो पत्थर घुमाया जाता है और इसके ऊपर बीच बीच में दूध डाला जाता है। दूध, आप सोचो हमारे हिंदुस्तान में दूध डाल के चूना तैयार होता था। माने दूध हम सिर्फ पीते नहीं थे, दूध से चूना भी बनाते। इसका मतलब यह है कि दूध बहुत होता होगा। क्या मतलब हुआ? चूने में दूध डाल रहे हैं पानी की जगह, इसका मतलब यह है कि दूध बहुत होता होगा। तो हमने सुना है कि इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी, तो नदियों में पानी की जगह दूध नहीं बहता था, दूध का उत्पादन बहुत होता था। और वो दूध इतना होता होगा कि पीते पीते बच गया तो हम उससे नहाते भी थे। आपने सुना है इस देश में कहते हैं दूधो नहाओ, कभी ये सुना है लक्स नहाओ पूतो फल, या किसी से सुना पियर्स नहाओ पूतो फलो, या जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप नहाओ पूतो फलो। हर बार हम यही कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, तो लोग नहाते होंगे दूध से, नहीं तो ये आई कैसे कहावत। और उसका प्रमाण आज भी दिखाई देता है कि हम शंकर भगवान को तो महाशिवरात्रि पर दूध से ही नहलाते हैं या साबुन लगाते हैं, दूध से नहलाते हैं कि ना। तो शंकर जी भी दूध से नहाते हैं, भक्त भी नहाते होंगे। तो दूध बहुत था, उपयोग करने के बाद बचता होगा तो चूना बनाने में इस्तेमाल होता था। और चूने को बनाने में बस इतना सा ही लगता है, एक सर्कुलर, वो मैंने कहा ना ट्रेंच, एक पत्थर का पहिया और उसको चलाने के लिए बैल, बस इतना ही लगता। और रॉ मटेरियल लाइम स्टोन, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल दिया, दूध डालते डालते पीसते गए, दूध डालते गए पीसते गए, दूध डालते गए, 25-30 दिन में वो तैयार होता है। फिर उसको जब कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करो तो उसमें जो बॉन्डिंग फोर्स है वो इतना ताकतवर है कि 2,500 साल तक उसे कोई हिला नहीं सकता। ये है भारत की टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी को अंग्रेजों ने किया क्या, कानून बनाकर पाबंदी लगा दिया। तो 150 साल में ये चूने के जितने भी केंद्र थे सब धीरे धीरे बंद हो गए और उनके स्थान पर अंग्रेजों ने सीमेंट के कारखाने कुछ शुरू कर दिए, जो चालू हो गए, जो आज भी इस देश में सीमेंट बना रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। अब सीमेंट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई भी गांव में सीमेंट नहीं बन सकता, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले चाहिए एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजम्पशन हाईएस्ट है सीमेंट में। बिजली चाहिए, बिजली, बिजली तो थी नहीं, तो चूना बनाने में तो बिजली की जरूरत नहीं। तो हिंदुस्तानियों ने दिमाग लगा के ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जो बिना बिजली के चल जाए, और ये यूरोप के मूर्ख लोगों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जो बिना बिजली के हिलती भी नहीं, चलना का तो दूर की बात है। तो भारत में हर गांव में चूने के केंद्र बन सके क्योंकि बिजली की जरूरत नहीं, और यूरोप में हर गांव में बिजली नहीं तो सीमेंट नहीं, यहां भी हर गांव में बिजली नहीं तो सीमेंट नहीं, तो सीमेंट वहीं बन सकता है जहां बिजली हो, और बिजली हो तो थोड़ी बहुत नहीं हो, ज्यादा हो। 240 वोल्ट की बिजली से सीमेंट नहीं बनता, बिजली बनाने के लिए कम से कम 11,000 वोल्ट लगता है, सॉरी सीमेंट बनाने के लिए कम से कम 11,000 वोल्ट की बिजली लगती है। तो 11,000 वोल्ट की बिजली बनाने के लिए बड़ा पावर स्टेशन लगता है, और बड़ा पावर स्टेशन बनाने के लिए या तो कोयला लगता है या तो पानी लगता है, और कोयला और पानी जिन गांव में मिले वहीं बन सकती है, बाकी किसी गांव में तो संभव नहीं है। और जो कोयला और पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाओ तो कोयला जमीन से खोदकर निकालना पड़ेगा, पानी भी आपको जमीन से निकालना पड़ेगा, नहीं तो तालाबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत दिन जमीन के नीचे से कोयला खोदते चले जाए तो स्पेस बन जाएगा, उसी स्पेस में भूकंप आएंगे, धरती कंप आएंगे, सुनामी भी आएगा। ये है टेक्नोलॉजी यूरोप की। हमारे यहां ये टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई, क्यों? क्योंकि हम होशियार थे, इंटेलिजेंट थे, हमको मालूम है कि जमीन के नीचे कोयला है, लेकिन उस कोयले को खोदकर निकालेंगे तो जमीन खाली हो जाएगी। खाली जमीन निरापद नहीं होती, कभी भी अर्थक्वेक आएंगे, ट्रेमर्स आएंगे तो वह डर डरा के चली जाएगी। तो
तो यूरोप और यूरोप के नागरिकों ने या उनके वैज्ञानिकों ने बिना सोचे समझे कोयला खोद खोद के तो निकाल के फेंक दिया, अब उन खदानों को भरने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हीं स्थानों पर सबसे ज्यादा भूकंप आ रहे हैं और अब हजारों लोग मर रहे हैं। तो देखो कैसी सुंदर टेक्नोलॉजी है, सीमेंट चाहिए तो बिजली चाहिए, बिजली चाहिए तो कोयला निकालना है, कोयले के साथ पानी भी चाहिए, पानी हमको पीने के लिए और खेती के लिए चाहिए, वो कहते नहीं पहले बिजली के लिए चाहिए, तो पानी इकट्ठा करना है तो डैम चाहिए, डैम बड़े बड़े बनाने हैं तो पैसा चाहिए, और वो डैम क्रैक्स हो जाए तो बाढ़ ही बाढ़, फंस गए ना। इससे अच्छी तो अपनी टेक्नोलॉजी थी कि हमको क्या चाहिए, सोप स्टोन चाहिए, हर गांव में उपलब्ध है, दूध चाहिए, दूध कहीं खोद कर निकालना नहीं पड़ता, निकालना पड़ता है दूध तो पृथ्वी के ऊपर ही उपलब्ध है, जानवर हैं तो दूध है, उनको घास खिलानी पड़ती है वो भरपूर दूध दे देते हैं, और घास को हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं। इस देश में अद्भुत मशीनें हैं जो वेस्ट खाकर दूध दे देती है कि नहीं, गाय भैंस बकरी वेस्ट खाती है, आप खा सकते हो घास, आप मानते हो ये वेस्ट है, वो वेस्ट को ही खाती है और बेस्ट क्वालिटी दूध दे देती है, वो दूध आप पीते हो, विटामिन ए मिलता है, विटामिन सी मिलता है, ताकत आती है, वो दूध अगर पत्थर में डाल दो तो और ताकत बढ़ा देता है पत्थर की, और वो पत्थर से पत्थर को चिपका दो बीच में रख के तो 500 साल टूटता नहीं, ये है टेक्नोलॉजी। अब जरा सोचो और विचार करो कौन सी टेक्नोलॉजी बेहतर है, दूध और पत्थर का इस्तेमाल करके चूना बनाने वाले, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण बात पता है क्या है कि आप प्रकृति का नेचर का कोई भी नुकसान नहीं करते, और ये जो सीमेंट बनाने वाली टेक्नोलॉजी है इसमें हर समय प्रकृति का नुकसान करते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। आज की सारी दुनिया परेशान है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, माने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसके दुष्परिणाम बढ़ रहे। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की कि जो प्रकृति को ध्यान में रख के काम करे, यूरोप में जो टेक्नोलॉजी आई वो इस तरह की जो प्रकृति का नाश करे और काम करे, प्रकृति का नाश करके काम करने वाली टेक्नोलॉजी 100-200 साल से ज्यादा नहीं चलती, और प्रकृति का साथ देकर चलने वाली टेक्नोलॉजी हजारों साल चलती, उसी को सस्टेनेबल कहते हैं। तो भारत में जो टेक्नोलॉजी बनी वो सस्टेनेबल है, प्रकृति के साथ चलने वाली है, लेकिन उसकी स्पीड कम है। जानते हैं क्यों है? क्योंकि नेचर की स्पीड भी कम है। आप सुनते हैं पृथ्वी घूमती रहती है, क्या स्पीड है? अगर जेट की तुलना करें, जेट प्लेन का पहिया घूमता है रनवे पर टेक ऑफ करने से पहले, उसके साथ पृथ्वी के घूमने की तुलना करें, स्पीड किसकी ज्यादा है? जेट के पहिए की। हमने स्पीड नहीं बढ़ाई क्योंकि पृथ्वी की स्पीड ज्यादा नहीं है घूमने, हमने इस बात का ध्यान रखा कि पहिया बनाओ तो सही लेकिन कम स्पीड में चलने वाला। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेंशन है वो पहिया है, ये पहिया बना तो बहुत सारी मशीनें बनी है दुनिया, जो पहिया नहीं होता तो दुनिया में कोई मशीन नहीं थी, और पहिए का आविष्कार भारत में हुआ है, यूरोप में नहीं हुआ है कहीं। यूरोप के वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है कि हमारे यहां तो पहिया 250 साल से आया, लेकिन भारत में तो पहिया तब से है जब से भारत है। आपने वो देखा है अशोक चक्र, वो पहिया ही है, और अशोक के समय से है, और अशोक आज का नहीं है, आज से लगभग 2500 साल पहले का है राजा, और भगवान कृष्ण के हाथ में भी पहिया ही है जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो तो 5000 साल पुराना है, और विष्णु जी के हाथ में भी पहिया ही है, विष्णु जी कृष्ण से और 5 लाख साल पहले के हैं, माने पहिए का आविष्कार इसी देश का है। लेकिन हमने क्या किया है, पहिए में स्पीड ना आए ज्यादा तो उस पहिए से बैलगाड़ी बनाई, और यूरोप ने उसी पहिए से जेट प्लेन बनाए। अब हमने क्या कहना शुरू किया, देखो जी वो तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने पहिए को हवाई जहाज में लगाया, हवाई जहाज उड़ाया, और हम इतने मूर्ख हैं कि पहियों को बैलगाड़ी में बनाया, वो धीरे धीरे चलती रहती,
एक बार मैंने ये बात समझने के लिए बैलगाड़ी चलाने वाले एक किसान को पूछा कि भाई आप इस बैलगाड़ी में चलते हो, मुश्किल से 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये चलती है, आपका काम बहुत देरी से होता है, आप ऐसा करो ये बैल को हटा दो, ट्रैक्टर लगा लो, या तो कुछ और कर लो, पहिया आपका मशीन से चले वो अच्छा होगा। तो उस किसान ने मुझे पूछना शुरू किया कि मान लो मैं ऐसा करूं कि मेरा पहिया तेज चले तो मेरी गाड़ी तेज चले तो होगा क्या इससे। मैंने कहा आप जल्दी जल्दी सामान लाएंगे ले जाएंगे। तो फिर कहने लगा और क्या होगा फिर उससे। तो मैंने कहा आपको बहुत पैसा मिलेगा, अभी आप बैलगाड़ी में 1 टन माल भर के सवेरे निकलते हो, शाम को बाजार में पहुंचते हो, फिर वापस उसी दिन आते हो, अगर आपके पास पहिया मशीन से चलने वाला हो गया तो दिन में 50 चक्कर लगा सकते हो, ज्यादा माल बेच के ज्यादा पैसा ला सकते हो। फिर उसने कहा ज्यादा पैसा लाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा ज्यादा पैसा लाओ तो घर में मजा करने की चीजें खरीदो, टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक ओवन खरीदो, और ये सब खरीद खरीद के पैसा खर्च करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बिस्तर पे सो, तो फिर क्या होगा। उसने पूछा, फिर मैंने कहा आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उसने कहा अभी भी मुझे सुख और शांति ही मिली हुई है, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, आप जाइए। उसने कहा कि आपको नहीं समझ में आता मैं कितने सुख और शांति में हूं, आराम से जा रहा हूं, बैल के गले में घंटी है, इसका संगीत सुनता हुआ जा रहा हूं, भगवान का भजन करता हुआ जा रहा हूं, सवेरे से घर से निकला हूं, शाम को पहुंच जाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने पूछा भाई क्यों जल्दी नहीं है। तो उसने कहा मेरा अगला जन्म भी है, फिर उसका अगला जन्म भी है, और 84 लाख बार मुझे भारत में पैदा होना है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, हर काम मैं आराम से करूंगा। उस दिन मेरे समझ में आया यूरोप को बहुत जल्दी है, अमेरिका को बहुत जल्दी है। पता है क्यों? क्योंकि उनके यहां दूसरा जन्म नहीं होता। आपको मालूम है क्रिश्चियनिटी में रीबर्थ नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता, इस्लाम में भी नहीं होता। क्रिश्चियनिटी की जो सबसे पुरानी किताब है ना ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें पुनर्जन्म नहीं होता। तो जिन सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं होगा वहां हर चीज की जल्दी है, क्योंकि एक ही जीवन मिला है, जितना करना है एक ही जीवन में करना है, मजा लेना है तो एक ही जीवन है, मार खानी है तो एक ही जीवन है, सुख लेना है तो एक ही जीवन है, समृद्धि लेनी है तो एक ही जीवन है, यहां तो बार बार का जीवन है, इसलिए हर चीज यहां धीमी है। और इससे भी ज्यादा गहरी बात करता हूं, भारत देश की जलवायु और यूरोप और अमेरिका की जलवायु बहुत अंतर है। आप जानते हैं यूरोप और अमेरिका बहुत ठंडा है, और यूरोप और अमेरिका में दो ही मौसम होते हैं, ठंडा और भयंकर ठंडा, तीसरा कोई मौसम नहीं है उनके पास, एक तो ठंडा और एक भयंकर ठंडा। भयंकर ठंडा तब होता है जब तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो भयंकर ठंडा, और ठंडा तब होता है जब तापमान -4 डिग्री या शून्य या शून्य के ऊपर 4 डिग्री, ये तापमान। तो एक तो ठंडा एक भयंकर ठंडा, गर्मी नहीं होती वहां और बारिश होने का चांस नहीं है। क्यों? यूरोप में जब बहुत ठंडा तापमान हो ना तो वो 1-2 महीने नहीं होता, 6-6 महीने होता है, 6-6 महीने -40 डिग्री, क्या होगा फिर? बर्फ गिरती रहती है, बारिश की जगह बर्फ गिरती है, वहां पानी की बूंदें नहीं गिरती, बर्फ के गोले गिरते हैं, और वो बर्फ गिरते 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 सब जगह छा जाती है, मैदानों में बर्फ, खेतों में बर्फ, खलियानों में बर्फ, सड़क पर बर्फ, छत पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, और इतनी बर्फ जमा होती है कि गाड़ी नीचे बर्फ ऊपर, गाड़ी के इंजन खराब हो जाते हैं क्योंकि इतनी ठंडी बर्फ में इंजन भी काम नहीं करते। तो उनके यहां बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ, और जहां ज्यादा बर्फ गिरेगी वहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, मौसम ऐसा होगा जिसमें सूर्य निकले ही नहीं, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां समुद्र के पानी में वेपराइजेशन नहीं होगा, वाष्पीकरण नहीं होगा, और जहां वाष्पीकरण नहीं होगा वहां बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो बरसेंगे क्या, इसलिए वहां बारिश भी नहीं होती। कभी कभी बारिश होती है गलती से, वो भी बर्फ के पिघलने के कारण, प्रकृति चक्र से नहीं होती। तो वहां एक ही मौसम ठंडा और भयंकर ठंडा, बारिश है नहीं, गर्मी पड़ती नहीं। तो उन देशों में क्या होता है कि अगर बहुत ठंडी वाले इलाके में आप रहना शुरू कर दें तो शरीर भी ठंडा होने लगता है।
आप कभी एक छोटा एक्सपेरिमेंट करना, मैंने किया था एक बार, अपने चारों तरफ बर्फ लगा लेना, बर्फ की सिल्लियां आती है ना, और उसके बीच में बैठ जाना। हाँ, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। सारे जो घुटने हैं ना जड़ हो जाएंगे, कंधे जड़ हो जाएंगे, उंगलियां इतनी स्टिफ हो जाएंगी कि ये भी नहीं कर पाए, हाथ को घुमा ना सके। बर्फ चारों तरफ हो और आपको ऐसे 6 महीने रहना पड़े, सोचो क्या होगा। बेचारे यूरोप वाले ऐसे ही जिंदगी बिताते हैं। तो उनके यहां क्या होता है, अगर शरीर उनका ठंडा पड़ा तो गई जिंदगी, इसलिए वो हर चीज को फास्ट करेंगे ताकि शरीर की गर्मी मेंटेन रहे। हम क्या करेंगे जब बहुत ठंड पड़ती है ना, ऐसे ऐसे क्यों करते हैं, गर्मी आए, ये तो मूवमेंट ही हुआ ना, तो वो हर चीज को मूवमेंट से देखते हैं। इसलिए स्पीड होना बहुत जरूरी है, इसलिए उनके यहां हर चीज में स्पीड का कैलकुलेशन है। भारत में ठंड नहीं है, भयंकर ठंड तो मुश्किल से 15 दिन भी नहीं है, यहां तो गर्मी है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी है। आप जानते हैं भीलवाड़ा में 50 डिग्री सामान्य हो जाता है ताप, और चुरू में तो उसको भी क्रॉस कर जाता। यहां तो गर्म है, तो गर्म देश में तो गर्मी की जरूरत नहीं है, तो हर चीज की स्पीड यहां कम रखनी पड़ेगी। अगर स्पीड बढ़ाई, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा तो गर्मी बढ़ने ही वाली है, उसको कम नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही प्रकृति में इतनी गर्मी है, और गर्मी आपने बढ़ाई एनर्जी कंज्यूम करके, तो आप तो मर जाएंगे। इसलिए हमारे देश में टेक्नोलॉजी का जब सिलेक्शन होता है, बनाने की बात होती है, तो उसमें ध्यान ये रखते हैं कि स्पीड ज्यादा ना हो, कम स्पीड पर काम करें। तो किस तरह की टेक्नोलॉजी बनेगी, अब छोटे छोटे कुछ उदाहरण बताऊंगा। ज्यादा स्पीड पर काम करे और एनर्जी कंजम्पशन बहुत हो, ऐसी टेक्नोलॉजी क्या होगी, जैसे मान लो रसोई घर का मिक्सर, जिसमें एनर्जी भी कंज्यूम होगी और स्पीड भी ज्यादा होगी। कम से कम रसोई घर का मिक्सर चले तो 240 वोल्ट की करंट तो लगेगी ही, इससे कम पे नहीं चलेगा। तो मिक्सर से हम बनाएंगे क्या, चटनी बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जूस निकालेंगे, चटनी बनाएंगे और कुछ निकालेंगे, क्या करेंगे, किसी चीज के छोटे छोटे पीस करेंगे, यही है ना। टेक्नोलॉजी का अंतिम उद्देश्य क्या है, कोई उपयोग। तो हमने मिक्सर का उपयोग किया और धनिया की चटनी पीस के निकाल लिया, जिसमें 240 वोल्ट का करंट हमने खर्च किया, जिसके लिए कोई बड़ा डैम बनाना पड़ा, डैम के लिए पावर स्टेशन बनाना पड़ा, पावर स्टेशन के लिए कोयला निकालना पड़ा, कोयले के साथ पानी भी इस्तेमाल करना पड़ा, तब हमारा मिक्सर चला। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब भारत की टेक्नोलॉजी, चटनी ही बनानी है ना तो सिल बट्टा जिंदाबाद, पत्थर का एक वो होता है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको घर में, सिल बट्टा ही कहते हैं ना, तो सिल और बट्टा, बट्टा माने घिसने वाला, सिल माने पत्थर का टुकड़ा, तो सिल बट्टे पर पीसा तो एनर्जी कंजम्पशन जीरो, बनेगी तो चटनी वहां भी, बनेगी चटनी यहां भी, एंड पॉइंट दोनों में एक ही है, लेकिन महत्व की बात है कि एक बिना एनर्जी के चल रहा है, दूसरा एनर्जी से चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जब चलेगा मिक्सर तो आप क्या करेंगे, खाली बैठेंगे ना, बैठ के देखेंगे भाई मिक्सर चल रहा है, इसकी शक्ल देखते रहो, लगे तो फोटो खींच लो, बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, यही तो करेंगे ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है कि इसकी आवाज बहुत खराब लग रही है, कान में कर्कश कर्कश ध्वनि जा रही है, तो दरवाजा बंद कर दो मिक्सर चलाते समय, इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर सिल बट्टा चल रहा है तो आप बट्टे को घिसेंगे सिल पर, तो अपनी एनर्जी खर्च होगी, और आप जानते हैं सिल पर बट्टे को जब घिसेंगे तो अपनी एनर्जी खर्च होगी, माने बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जलेगा, कोलेस्ट्रॉल जलेगा तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। देखो, एंड पॉइंट दोनों में एक ही है, चटनी यहां भी बन रही है, चटनी वहां भी बन रही है, लेकिन एक सिल बट्टे की चटनी है जिसमें हमारी एनर्जी खर्च हो रही है, शरीर की एनर्जी माने कोलेस्ट्रॉल, जो फैट है ना, जो डिपॉजिट होता है, वही शरीर की एनर्जी है, तो हमने वो खर्च करके बनाया चटनी, तो शरीर का वजन भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट कम होगा, हम हार्ट अटैक फ्री रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल फ्री रहेंगे, कार्डियक अरेस्ट फ्री रहेंगे, ब्रेन स्ट्रोक फ्री रहेंगे, 25 बीमारियां शरीर में नहीं आएंगी। और जो कोई मां या बहन
वो सिलबट्टे पर घिस रही है चटनी बनाने के लिए, तो उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक्सरसाइज हो रही है, और सिलबट्टे पर जब घिसा जाता है ना तो सबसे बड़ी एक्सरसाइज यूट्रस की होती है, और यूट्रस की एक्सरसाइज अगर है गर्भाशय की तो वो फ्लेक्सिबल बहुत रहता है, और अगर वो फ्लेक्सिबल है तो जिंदगी में कभी भी मां बनने के लिए सिजेरियन ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि मिक्सर बनाएं, मिक्सर चलाएं, आराम से कुर्सी पर बैठकर देखें, चटनी तो वहां भी बनेगी लेकिन यहां शरीर में डिपॉजिट बढ़ता रहेगा फैट का, क्योंकि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं शरीर को, फैट बढ़ेगा तो हार्ट अटैक आएगा, और मां का यूट्रस का एक्सरसाइज नहीं होगा तो वो बहुत स्टफ आ जाएगा, कठोर हो जाएगा, और उस मां को गर्भवती होने के बाद सिजेरियन कराना ही पड़ेगा, तो एक मिक्सर की टेक्नोलॉजी कहां लेके जाएगी और एक सिलबट्टे की टेक्नोलॉजी कहां लेके जाएगी। अब हम ये कहना शुरू कर दें कि जी मिक्सर तो बहुत हाई टेक है और ये सिलबट्टा तो बहुत लो टेक है, दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए उपयोगी है, एप्रोप्रिएट है, वो महत्व की बात होती है। हमारे लिए शायद सिलबट्टा बहुत एप्रोप्रिएट है क्योंकि गर्म देश में रहने वाले लोगों को फैट डिपॉजिट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि गर्मी जो है ना इसको शरीर मेंटेन कर पाए इसके लिए फैट बनता बहुत है बॉडी में, तो भारतवासियों को प्राकृतिक कारणों से फैट ज्यादा बनता है, ये फैट कंज्यूम होता रहना चाहिए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचकर सिलबट्टा बनाया, नहीं तो मिक्सर तो वो भी बना सकते थे, क्योंकि जो पहिया बना सकते हैं वो मिक्सर भी बना सकते हैं, मिक्सर भी क्या है, पहिया ही तो है, अंत में तो पहिया ही घूम रहा है ना अंदर, और क्या। तो हमने समझ बूझ कर सिलबट्टा बनाया क्योंकि हमें जाना है किसी दूसरे रास्ते पर, और यूरोप वालों को पता ही नहीं था इसलिए मिक्सर बनाया। एक और उदाहरण दूं, यूरोप की टेक्नोलॉजी है वॉशिंग मशीन, है ना, उसमें भी पहिया ही है ना, और वो पहिया इस्तेमाल होता है, तो वॉशिंग मशीन में हमको चाहिए बहुत सारा वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट सोप से चलती है नहीं चलती, वॉशिंग पाउडर ही लगता है, और वॉशिंग मशीन ऑयल केक से चल सकती है, डिटर्जेंट पाउडर ही लगता है, तो जो देश वॉशिंग मशीन बनाएगा उसको पहले डिटर्जेंट पाउडर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना उसके वो चलेगी नहीं, और आप जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर से कपड़े धोने में पानी 10 गुना ज्यादा खर्च होता है कि नहीं, आप रोज डिटर्जेंट से कपड़े धो तो बाल्टी के बाल्टी पानी फेंकते रहो, झाग निकलना बंद नहीं होता, तो डिटर्जेंट बनाना पड़ेगा वॉशिंग मशीन के लिए, तो डिटर्जेंट बनाने के लिए पानी ज्यादा लगेगा, पानी तो निश्चित है और सीमित है, वो तो बारिश से ही मिलता है, या तो पी लो या तो डिटर्जेंट पाउडर के कपड़े धोने में बहा लो उसको। अब यूरोप वाले तो मजबूर हैं बेचारे क्योंकि उनको और कुछ मालूम ही नहीं है कपड़े धोने के लिए सिवाय इसके के एक डिटर्जेंट पाउडर, क्योंकि कपड़े धोने के लिए कई तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया में उपलब्ध है, जैसे भारत में सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी पता है क्या है कपड़े धोने की, मिट्टी से कपड़े धोना, आपने देखे धोबी लोग हमारे घर से कपड़े लेके जाते हैं, वो कहीं तालाब में जाते हैं उनके पास मिट्टी होती है, मिट्टी को कपड़े में रगड़ के पानी में भिगो के रख देते हैं, एक दिन तक वो पड़ा रहता है, दूसरे दिन थोड़ा पीटते एकदम साफ हो जाता है, क्योंकि मिट्टी का काम वही है जो वॉशिंग पाउडर का है। पता है वॉशिंग पाउडर क्या करता है, कुछ नहीं करता, सरफेस टेंशन कम करता है, हमारा कपड़ा गंदा हो गया इसमें डस्ट घुस गई या इसमें कुछ दाग बन गए निशान बन गए, इसका माने जिस स्थान पर निशान है वहां का सरफेस टेंशन बढ़ गया, यही तो है ना फिजिक्स। अब सर्फ क्या करेगा, सर्फ ये करेगा कि वहां का सरफेस टेंशन कम कर दे, और जब सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा तो दाग अपने आप बाहर निकल जाएंगे, डस्ट बाहर निकल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, वही काम मिट्टी करती है, वही काम वॉशिंग पाउडर करता है, मिट्टी भी यही करती है सरफेस टेंशन को कम। अब मिट्टी से हम कपड़े धोएं और सर्फ से कपड़े धोएं, दोनों में अंतर क्या है, मिट्टी से कपड़े जब हम धो रहे हैं तो मिट्टी पानी में जा रही है और पानी में मिट्टी नीचे बैठ रही है, वापस वही मिट्टी फिर काम आ रही है, फिर पानी में जा रही है, फिर बैठ रही है, फिर काम आ रही है, फिर जा रही है, माने ये पूरी सिस्टम सस्टेनेबल है, हजारों साल तक चलेगी। अब वॉशिंग पाउडर का चक्कर क्या है, वॉशिंग पाउडर बनाने में 23 केमिकल लगते हैं, मिट्टी एक ही केमिकल का खेल है,
वॉशिंग पाउडर में 23 केमिकल हैं और सबके सब इनऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं, मिट्टी 100% ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स का अंतर आप सब अच्छे से जानते हैं। तो मिट्टी ऑर्गेनिक केमिकल है, हजारों साल इस्तेमाल होगी, यूज और रीयूज, यूज और रीयूज होगा, और अंत में क्या होगा, पानी में मिट्टी मिलेगी, तो आखिरकार वो पानी कहीं जाएगा, खेत में जाएगा, खलियान में जाएगा, तो मिट्टी खेत में पहुंच जाएगी। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, पानी भी सुरक्षित है, मिट्टी भी सुरक्षित है। अब वॉशिंग पाउडर से आपने जब कपड़े धोए तो उसमें तो 23 केमिकल है, वो सब पानी में निकलेंगे और वो पानी के साथ बहते हुए किसी नदी में जाएंगे, नदी का पानी सीपेज के माध्यम से जमीन के नीचे जाएगा, तो जमीन के पानी में केमिकल्स भी पानी के साथ मिल जाएंगे, फिर वही पानी हम ग्राउंड वाटर के रूप में रिचार्ज करके रीयूज करेंगे, तो पानी के साथ ये केमिकल भी आएंगे और यही केमिकल डिटेक्ट होंगे तो सरकार कहेगी कि पानी जमीन का निकला हुआ खराब हो गया, अब ये पीने लायक नहीं है क्योंकि हमने वॉशिंग पाउडर मिला मिला के इसको मिट्टी में फेंक दिया। वॉशिंग पाउडर के केमिकल क्या है, नाम सुनो तो तकलीफ आ जाए, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम मेटासिलिकेट, जो हाईली पॉइजनस है और कैंसरस है। सोडियम लॉरेल सल्फेट के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक कहते हैं कि 0.05 मिलीग्राम मात्रा अगर 1 लीटर खून में आ गई, जरा ध्यान से सुनना, 1 लीटर खून में 0.05 मिलीग्राम सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला तो ब्लड कैंसर करने के लिए सफिशियंट है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सोडियम मेटासिलिकेट अगर 0.01 मिलीग्राम 1 लीटर खून में मिला तो कैंसर करने के लिए सफिशियंट है। तो यूरोप से आई हुई टेक्नोलॉजी वॉशिंग मशीन, उसमें डाला हुआ वॉशिंग पाउडर जो पानी को भी खर्च करेगा और आपकी जिंदगी को भी खर्च कर देगा, क्योंकि यही पानी जब डिस्चार्ज होके आप फेंकेंगे नालियों में, नालियों से जाएगा नाले में, नाले से जाएगा नदी में या तालाब में, फिर सीपेज के माध्यम से ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होगा, उसके साथ केमिकल भी होंगे, वही केमिकल वापस आपके पीने के पानी में आएंगे और आप पी पी के कैंसर से मर जाएंगे। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब हमारे यहां क्या है, हमारे यहां तो सबसे पुरानी मिट्टी थी कपड़े धोने के लिए, धीरे धीरे हमने उस मिट्टी को थोड़ा बाजू रख दिया क्योंकि हमने कहना शुरू किया, अरे ये मिट्टी तो बहुत खराब है, मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। आजकल पढ़े लिखे लोग पता है क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं मिट्टी में मत खेल, लग जाएगी, मिट्टी तो लगने के लिए ही है, लग जाएगी तो कौन सी तकलीफ होने वाली है। आपको मालूम है दुनिया के सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में ही है, अगर आपको नाइट्रोजन चाहिए तो मिट्टी में है, कैल्शियम चाहिए तो मिट्टी में है, सल्फर चाहिए तो मिट्टी में है, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में है जो 17 हमारे शरीर को लगते हैं, और उसी मिट्टी से हम इतने दूर हैं, अरे रे मिट्टी में मत खेल लग जाएगी। और मैंने पढ़ी लिखी मूर्ख माताओं को देखा है कि बच्चे जरा सी मिट्टी में खेला है तुरंत स्नान करा देती, अरे रे ये मिट्टी बहुत खराब है, उनको मालूम नहीं है जब वो मर जाएंगे तो एक मुट्ठी मिट्टी में ही बदल जाएंगे जिनको खेत में ही डालना पड़ेगा। आपको एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बताता हूं, जब आदमी मर जाता है ना पूरा शरीर जल जाता है, हड्डियां भी जल जाती हैं, और पूरे आदमी की 20 ग्राम मिट्टी बन जाती है, मात्र 20 ग्राम। 100 किलो का आदमी जब जल जाता है ना तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है। फिर उस मिट्टी का मैंने केमिकल एनालिसिस करवाया कि इसमें है क्या जरा पता करो, तो ये जो 20 ग्राम मिट्टी है ना इसमें मुश्किल से 8 रुपए का कैल्शियम है, मुश्किल से, और 2-2.5 रुपए का फास्फोरस है, मुश्किल से 2-2.5 रुपए का, और बाकी 10-11 रुपए में अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माने मरने के बाद आदमी की कीमत 20 रुपए से ज्यादा नहीं है। ये है जीवन की सच्चाई, और हम मिल रहे हैं उसी मिट्टी में, और परेशान है कि ये मिट्टी शरीर पे नहीं लगनी चाहिए, ये मूर्खता हमने यूरोप से सीखी है। यूरोप में पता है क्या होता है, मिट्टी ही नहीं है, मैं आपको ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट कर रहा हूं, पूरे यूरोप में मिट्टी ही नहीं है। किसी देश में चले जाओ, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में मिट्टी ही नहीं है। फिर क्या है, बर्फ पड़ पड़ के मिट्टी पत्थर जैसी हो गई है, तो वो पत्थर है, मिट्टी है ही नहीं उनके देश में।
अब मिट्टी नहीं है तो हवा उड़ेगी, हवा चलेगी तो मिट्टी नहीं उड़ती है, तो इसलिए वहां की सड़कें साफ सुथरी दिखाई देती हैं, घर भी साफ सुथरे दिखाई देते हैं। साल में 9 महीने तो बर्फ ही बर्फ रहती है, गंदगी आएगी कहां से। तो हम गाना गाते, हो यूरोप कितना साफ सुथरा है, घर में भी कुछ कचरा नहीं है, सड़क पे भी कचरा नहीं है, वहां तो कुछ सुंदर ही सुंदर दिखाई। मेरा एक दोस्त तो इतना मूर्ख है, वो कहता है यार यूरोप की सड़क को तो जीप से चाट सकते हैं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी खास बात है, बर्फ को तो जीप से ही चाटा जाता है ना, चाटते हैं कि नहीं बर्फ को, तो वहां बर्फ ही बर्फ है, उसको जीप से चाट सकते हैं, कौन सी खास बात है। तो जिस देश में मिट्टी है ही नहीं, उड़ेगी नहीं, उड़ेगी नहीं तो जीवन में आएगी नहीं, तो उनको मिट्टी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, क्योंकि माइक्रो। अब वहां समस्या क्या होती है कि मिट्टी से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वहां की मिट्टी तो पत्थर जैसी है, उसमें से जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बाहर से सप्लाई लेनी पड़ती है शरीर में। अगर हम कुछ खा रहे हैं, गेहूं चावल चना दाल मटर, तो हमको 17 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। प्रोटीन्स चाहिए वो तो एक है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो एक है, फैट्स चाहिए वो एक है, और हमें फाइबर्स चाहिए वो एक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 17 चाहिए हमको अपने शरीर में। नाइट्रोजन भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, मैग्नीज भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, ऐसे 17 केमिकल शरीर को चाहिए। इनमें एक भी कम हो जाए तो पता है क्या क्या होता है, थोड़ा भी कैल्शियम अगर कम हो गया तो बच्चे पागल पैदा होते। हाँ, थोड़ा भी केमिकल कम हो जाए तो कम बुद्धि के बच्चे पैदा होते। आपने देखे बहुत बच्चे शरीर में तो अच्छे हैं, बुद्धि काम नहीं करती, IQ लेवल 0। तो सब डॉक्टर कहते हैं इनको कैल्शियम कम है। फिर इसके विपरीत कुछ बच्चे होते हैं जिनको कैल्शियम तो है लेकिन आयरन कम है, तो उनके शरीर में खून नहीं है, तो एनीमिक दिखाई देते हैं, और इतने एनीमिक दिखाई देते हैं कि हम समझते हैं अरे इसकी स्किन तो बहुत गोरी है, पता चला वो एनीमिया का शिकार है, गोरी थोड़ी, खून ही नहीं है, तो पीला पीला दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा। तो किसी को आयरन कम हो गया, किसी को कैल्शियम कम, किसी को मैग्नीशियम कम, किसी को, तो सभी तरह की एबनॉर्मेलिटीज आएंगी। तो मिट्टी में नहीं है तो वहां की प्रॉब्लम है। तो यूरोप में पता है क्या होता है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी आती है इसको बाहर से सप्लीमेंट देना पड़ता है, इसलिए हर यूरोपियन को खाने के साथ फूड सप्लीमेंट खाना पड़ता है। और वो उनके फूड सप्लीमेंट पता है क्या है, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, माल्टोवा, ये जो है ना हेल्थ टॉनिक्स, वो सब फूड सप्लीमेंट्स हैं, कोई हेल्थ टॉनिक नहीं है। अगर वो ना खाएं तो जिंदा नहीं रह पाए। अब वही टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट कर लिया, हॉर्लिक्स आ गया भारत में, बॉर्नविटा भी आ गया, माल्टोवा भी आ गया, और हम जबरदस्ती खा रहे हैं, जरूरत नहीं है फिर भी खा रहे हैं, क्योंकि हमको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो भोजन में मिल रहे हैं, हमारे गेहूं में, चावल में, चने में, दाल में, केले में, सेब में, फलों में, सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि मिट्टी से ये सब आ रहे हैं और मिट्टी में ये सब है, तो हमको अतिरिक्त सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन हम उनकी नकल करके खाएंगे जरूर, क्योंकि हम मानते हैं कि उनकी टेक्नोलॉजी है तो कुछ अच्छी होगी। अभी अंधाधुंध हम खाना शुरू करते हैं बचपन से, कई घरों में मैंने देखा बच्चों को हॉर्लिक्स मिला के ही दूध पिलाते या बॉर्नविटा मिला के ही दूध पिलाते हैं। अगर लगातार आप ये खाएंगे हॉर्लिक्स बॉर्नविटा, तो इसमें कैल्शियम है और कैल्शियम आपके बॉडी में है, ऑलरेडी है। अब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, तो जब ज्यादा कैल्शियम होगा तो डाइजेस्ट नहीं होता और वही स्टोन में बदल जाएगा, तो किडनी स्टोन हो जाएगा, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाएगा। अब किडनी में स्टोन हुआ 25-30 साल की उम्र में, गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, तो डॉक्टर कहेगा अब ये किडनी काट के निकालो, तो 3 लाख रुपए ले आओ पहले, और गॉल ब्लैडर काट के निकालो तो 50,000 रुपए ले आओ, और गॉल ब्लैडर जो कट के आपने निकलवा दिया क्योंकि स्टोन फॉर्मेशन है, तो 5-7 साल के बाद इंटेस्टाइनल कैंसर 100% हो जाएगा, क्योंकि शरीर विज्ञान ये कहता है कि गॉल ब्लैडर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर इसको काट के निकाल दिया तो ये ऑर्गन का काम किसी दूसरे ऑर्गन को करना पड़ता है, तो वो दूसरा ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन ही है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है और उस वर्कलोड के कारण उसमें कैंसर डेवलप होता है, फिर कैंसर हो गया तो फिर जयराम जी की। ये है यूरोपियन टेक्नोलॉजी। अब हम बिना सोचे समझे नकल करेंगे उनकी, यही होने वाला है। इसलिए मैं आपके ध्यान में जो बात लाना चाहता हूं वो ये कि टेक्नोलॉजी हाई और लो नहीं होती, टेक्नोलॉजी मॉडर्न और ओल्ड नहीं होती,
टेक्नोलॉजी हमेशा एप्रोप्रिएट होती है, उपयुक्त होती है, जब जिसको जिसकी जरूरत है वो उसने बना लिया वही टेक्नोलॉजी होती है। दूसरों की नकल करके बनाएंगे तो वो नकल होती है, टेक्नोलॉजी नहीं होती। अब हम जो भी काम यूरोप और अमेरिका की नकल करके उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से हल करते हैं, कोई हमारा हो ही नहीं पाता हल। लेकिन जो काम हम भारत की टेक्नोलॉजी की मदद से हल करें 100% उसमें सोल्यूशन आ जाता है। जैसे यूरोप की एक टेक्नोलॉजी आई है वॉटर पंप, जमीन में खोदो और लगा दो तो हर एक मिनट में कुछ लीटर पानी वो खींच के फेंक देगा बाहर, हर एक घंटे में कुछ लाख लीटर पानी खींच के बाहर फेंक देगा। यह है यूरोप की टेक्नोलॉजी। तो हमने जमीन में खड्डा खुदवा दिया, बोरिंग करवा दिया, पंप लगवा दिया, कुछ ही घंटों में लाखों लीटर पानी वो फेंक रहा है। क्या ये लाखों लीटर पानी कुछ घंटे में अंदर जा सकता है? ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूरोप ने बनाई है कि जितना पानी एक घंटे में वो जमीन से निकालकर फेंक रहे हैं उतना ही पानी एक घंटे में अंदर डाल सके? अंदर डाल सके माने रिचार्ज कर सके। पानी का रिचार्जिंग स्पीड बहुत कम है, धीरे धीरे पानी अंदर जाता है, लेकिन उसको निकालने की गति आपने तेज कर दी तो एक दिन क्या होगा, नीचे का पानी निकल तो सब जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं जाएगा, तो वाटर स्केयरसिटी होगी, तो जमीन में से फिर पानी ही नहीं आएगा। 6 फीट बोरिंग करो या 600 फीट, 1000 फीट बोरिंग करो या 6000 फीट, पानी ही नहीं मिलेगा। पानी नहीं मिलेगा तो सरकार आपके एरिया को डार्क जोन डिक्लेयर करेगी, और डार्क जोन डिक्लेयर हुआ तो फिर वर्ल्ड बैंक की टीम आएगी कि अब इस वाटर को रिचार्ज करने के लिए क्या करना। तो वो आपको कहेंगे आपके देश में पहले जो तालाब होते थे ना वही बनाओ, उनके लिए हम कर्ज देंगे तो वाटर रिचार्ज होगा, वो पहले भी बना सकते थे। तो हमेशा इस बात पर ध्यान रखिए कि टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र की विशेषता के हिसाब से बनती है, हर देश की सभ्यता की जरूरतों के हिसाब से बनती है। कोई देश दूसरे की नकल करके जो टेक्नोलॉजी में गया वो फंस ही जाएगा। और ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हैं हमारी आज की जिंदगी के। हमने यूरोप से एक टेक्नोलॉजी लाई है रेफ्रिजरेटर, और इसको लाके घर में लगा दिया है। क्यों मालूम नहीं क्यों, कोई लोगों से बहुत ज्यादा डिटेल पूछता हूं कि आपने रेफ्रिजरेटर क्यों लाया, कहते हैं जी पड़ोसी लाया तो हम भी ले आए। तो वो कुएं में गिरेगा, आप भी गिरोगे? हाँ हाँ गिर जाएंगे। तो मूर्खों की यही निशानी होती है, इंटेलिजेंट लोग तो ये नहीं करते। वो फ्रिज ले आया घर में, अब क्या कर रहे हैं उसका, फ्रिज में लाला के सब्जियां भर के रखते हैं, हाँ, और एक दिन में 10 किलो सब्जी ले आते हैं, जरूरत नहीं है 10 किलो की ले आते हैं, भर भर के रखते हैं। फिर फ्रिज क्या करता है, फ्रिज का प्रिंसिपल आप सब समझते हैं, फ्रिज अगर चलेगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का एमिशन करेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का अगर एमिशन होगा तो जो कुछ आपने फ्रिज में रखा है वो उससे बचेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स उस पर भी प्रभाव डालेंगे, फिर वही आप खाएंगे तो आप बचेंगे। हमने बिना सोचे समझे फ्रिज में सब्जी रखना शुरू कर दिया। आपको मालूम है यूरोप में कोई भी घर में सब्जी नहीं रखी जाती है फ्रिज में, फ्रिज में सिर्फ एक ही चीज रखी जाती है, वो है मेडिसिन, और मेडिसिन भी ऐसी होती है जो पूरी सील पैक हो, जिसके ऊपर सीएफसीज के एमिशन का असर ना पड़े, इसके लिए यूरोप ने फ्रिज बनाया है। हम मूर्ख लोगों ने बिना सोचे समझे घर में लाके उसमें सब्जियां रखना शुरू कर दिया, और सब्जियां अकेली नहीं रखते, गेहूं का आटा गूंद के भी उसमें भरना शुरू कर दिया। कई कई घरों में तो मूर्खों के मूर्ख मैंने देखे हैं, दो दो दिन गेहूं का आटा उसमें भर के रखते हैं, फिर निकाल के रोटी बना के खाते हैं, सत्यानाश। सोचो जरा, सवेरे दाल बनाएंगे फ्रिज में भर के रख देंगे, दिन भर वो सीएफसी एमिशन में रहने वाली है, रात को उसी को गर्म कर करके खाएंगे। सब्जियां बनाएंगे सवेरे भर के रख देंगे फिर रात को खाएंगे। ये फ्रिज हमारी काम की चीज नहीं है, क्योंकि यहां सब्जी रोज मिलती है, ताजा मिलती है, सवेरे भी मिलती है शाम को भी मिलती है। और सब्जी के विज्ञान के बारे में आपको एक सच्चाई बता दूं कि सब्जी टूटने के एक घंटे के अंदर बना के खा ली जाए तो बहुत अच्छा है, एक दिन बाद खाएंगे तो और खराब है, दो दिन बाद खाएं और भी ज्यादा खराब है, जितना समय बीतेगा उतनी खराब होती जाएगी, फ्रेशनेस तो कम होगी ही, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लेवल घटता जाएगा, और एमिशन के असर से वो बिल्कुल सब्जी नहीं, जहर हो जाए। अब हम ज्यादातर लोग फ्रिज की सब्जियां खा रहे हैं, फ्रिज की दाल खा रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमारी एड़ी में दर्द होता है,
कोई कहता है घुटने दुखते हैं, किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के कंधे में दर्द होता है, ये तो होने ही वाला है क्योंकि जो कुछ आप खा रहे हैं वो इसी के लिए। और अब तो कुछ घरों ने क्या किया है, फ्रिज में पानी भर के रखना शुरू किया, कोई भी अतिथि आएगा फ्रिज की बोतल सीधे उसके सामने रख देंगे, पानी गिलास में लाके नहीं रखेंगे क्योंकि पता ही नहीं चलता कि वो घड़े का है कि फ्रिज का, तो बोतल लाके सीधे रखते। हमारे घर में फ्रिज है, आप जानते हैं फ्रिज के पानी का कमाल क्या है। यूरोप में मैंने देखा है कि वहां के लोग बहुत ठंडे, हमने वो मजबूरी को स्टेटस सिंबल बना लिया, हम फ्रिज में पानी ठंडा करके फिर पीते हैं। परिणाम यह है कि यूरोप के लोग जब बहुत ठंडा पानी पीते हैं ना, जब उनके यहाँ सर्दी के दिन होते हैं जैसे दिसंबर से लेके नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, उतने दिनों में हर यूरोपियन नागरिक सवेरे सवेरे जब टॉयलेट रूम में जाएगा तो दो दो घंटे तक बाहर ही नहीं आएगा। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे टॉयलेट में दो घंटे, तो कहते न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे हम। क्यों पढ़ रहे थे? स्टूल साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, स्टूल पास नहीं होता। क्यों? कब्जियत हो गई। कब्जियत किससे होती है? ठंडे पानी से। तो दो दो घंटे बैठे रहते हैं कमोड पर, जोर लगाते हैं फिर भी नहीं आती, कभी कभी गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी तो भी नहीं आती। और वो जब बहुत कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो जाते हैं ना, दो दो दिन तीन तीन दिन उनको संडास नहीं होती, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर उनको कहता है भाई पानी गर्म करके पियो, तो वो फिर गर्म पानी पीना शुरू करते हैं, एक दिन में ही बदल जाता है, स्टूल बहुत अच्छे से पास होने लगता है। तो वो तो फ्रिज का पानी पीते नहीं कभी, लेकिन पीते हैं तो कुछ मजबूरी है, हमने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया। तो जितने घरों में फ्रिज का पानी पिया जाता है उन घरों में अब यूरोप जैसा ही सिस्टम आ गया। मैंने देखा अब हिंदुस्तानी घरों में भी कमोड सीट बनाते हैं। क्यों? इंडियन स्टाइल का क्यों छोड़ दिया? अब इंडियन स्टाइल के पॉट पे पांच ही मिनट बैठ सकते हैं, इनको दो दो घंटे बैठने का है तो कमोड सीट बनाते। ये है टेक्नोलॉजी का अंतर। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लाई, उसमें इतने परेशान है कि उनकी हालत खराब। अब यूरोपियन और अमेरिकन कोई व्यक्ति आपको मिले आप उनके पास में नहीं बैठ सकते। क्यों? बहुत बदबू आती है, इतनी बदबू आएगी कि कोई अमेरिकन अगर आपके पास नजदीक में मुंह करके बात करने लगे आप मुंह बंद कर लेंगे, नाक बंद कर लेंगे, मुंह से बदबू ही बदबू आती है। कारण क्या है? पेट साफ नहीं है तो मुंह से बदबू आने वाली। अब पेट साफ नहीं तो मुंह से बदबू आ रही है तो उस बदबू को कंट्रोल करने के लिए वो माउथ फ्रेशनर स्प्रे करते रहे, हर 15 मिनट पे माउथ फ्रेशनर स्प्रे कर। और माउथ फ्रेशनर सभी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, तो वो सब केमिकल शरीर में जाते हैं और जिंदगी नरक हो जाते हैं। बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन के पास में आप बैठ जाओ ना तो पसीने की भी बदबू आती है, और उस पसीने की बदबू को कंट्रोल करने के लिए डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं। डिओडोरेंट स्प्रे करना, माउथ फ्रेशनर स्प्रे करना उनकी मजबूरी है, स्टेटस सिंबल नहीं। लेकिन हम मूर्खों ने उसकी नकल कर करके अपने देश में भी डिओडोरेंट लाया और माउथ फ्रेशनर लाया। हमको सांस में बदबू इतनी नहीं आती है लेकिन फिर भी माउथ फ्रेशनर करते रहते नकल कर करके, और वही केमिकल शरीर में जाते हैं जिनके साइड इफेक्ट हमारे जिंदगी में रोज आते हैं। ऐसे डिओडोरेंट स्प्रे करते हैं, स्किन रफ हो जाती है, बहुत रफनेस बढ़ जाए तो एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा हो जाए तो जिंदगी भर ठीक नहीं होता। डॉक्टर कहता भाई आप चाहे जितना खर्च करो ये ठीक होने वाला नहीं। ये टेक्नोलॉजी का अंतर है। मैं आपको फिर वही बात समझाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से आती है, स्टेटस सिंबल नहीं होती कभी। हम भारतवासियों ने क्या किया कि यूरोप और अमेरिका की जरूरत के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी बनी उसको हमने स्टेटस सिंबल मान लिया, और यही हमारी गलती है। अब एक आखिरी छोटी सी बात, यूरोप की टेक्नोलॉजी कैसी है, एक और उदाहरण देता हूं मेडिसिन के फील्ड में। मैंने आपको कहा ना यूरोप में ठंड बहुत है, जहां ठंड बहुत है वहां सूर्य प्रकाश कम है, जहां सूर्य प्रकाश कम है वहां वायरल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सबसे ज्यादा होता है। ये जो सूर्य की धूप है ना ये सब तरह के वायरस को मारने की ताकत रखती है। चिलचिलाती धूप में 350 किस्म के वायरस सेकंड्स में मर जाते हैं, लेकिन वही सब वायरस यूरोप में हमेशा जिंदा रहते हैं क्योंकि धूप नहीं है।
तो वहां वायरल डिसीजेस बहुत होती है। यूरोप में सभी नागरिकों को मैक्सिमम डिसीज जो है ना वायरल और बैक्टीरियल डिसीज है। उनकी जिंदगी की लिस्ट बनाओ बीमारियों की तो 90% बीमारियां उनके यहां वायरल और बैक्टीरियल है। और वायरल और बैक्टीरियल डिसीज जो है ना इन्फेक्टेड होती है, इन्फेक्शस होती है। माने एक को हुई तो पूरे घर में सबको होगी, दो को हुई तो पूरे मोहल्ले को हो जाएगी, गांव में किसी एक को हो गई तो पूरे गांव को हो जाएगी। तो पता है उनकी मजबूरी क्या है कि एक छोटी सी भी वायरल डिसीज यूरोप में किसी नागरिक को आ जाए तो वहां की सरकार परेशान हो जाती है कि कहीं सब नागरिक इसके परेशानी में ना आए, तो वो मास वैक्सीनेशन कराते हैं सबका। मास वैक्सीनेशन समझते हैं, सबको टीके लगाते हैं, सबको, किसी को छोड़ते नहीं, छोटा बच्चा हो या बड़ा आदमी, सबको मास वैक्सीनेशन करते हैं। यूरोप में एक वायरस घूम गया अभी 2-3 साल पहले, जिसके कारण एक बीमारी आती है हेपेटाइटिस बी। ये वायरस जो है ना पानी में बहुत रहता है और ठंडे पानी में बहुत ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई कर जाता है, तो यूरोप में ठंडा पानी बहुत होता है, तो ये वायरस फैल गया, तो यूरोप के ज्यादातर नागरिकों को यह बीमारी आई हेपेटाइटिस बी, और इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि यह लीवर को प्रभावित करता है वायरस, और लीवर ज्यादा डैमेज हो जाए तो डेथ होती है। तो ये वायरस ने उसको वहां तकलीफ कर दी। वो वायरस हिंदुस्तान में आया भी नहीं और हमारी सरकार ने नकल करके मास वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। आपको मालूम है गांव-गांव हेपेटाइटिस बी के कैंप लगते थे, इंजेक्शन लगवाओ, 100 रुपए दो, 200 रुपए दो, 500 रुपए दो, और ऐसे पागल लोग आ गए इस देश में, बैंक में काम करने वाले सबको लगाओ इंजेक्शन, बीमा कंपनी में काम करने वाले सबको लगाओ, कॉलेज में पढ़ाने वाले उनको भी लगाओ, पढ़ने वाले उनको भी लगाओ, रोज टीवी पे विज्ञापन आ रहा है कि भाई लगवा लो नहीं तो मर जाओगे, ये बीमारी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। मजे की बात, वो वायरस अभी पहुंचा ही नहीं है भारत में और धंधा शुरू हो गया। वायरस पहुंचा नहीं, धंधा शुरू हो गया। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को कहा कि आपके पास कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आए तो जरा मुझे बताओ। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मैं उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे? मैंने कहा भारत में बहुत सारी दवाएं हैं आयुर्वेद में, मैं देखना चाहता हूं, टेस्ट करना चाहता हूं कि वो वायरल डिसीज जो सबसे खराब आप बनाते हैं एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं एड्स का आदमी तो 10-12 साल में मरता है, हेपेटाइटिस बी का 2-3 दिन में मर जाता है, इसलिए खतरनाक है। तो मैंने कहा हम जानते हैं हमारे घर में एक बहुत अच्छी दवा है जिसको तुलसी कहते हैं, तुलसी एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, मुझे बताना। मैंने कम से कम सैकड़ों डॉक्टरों को बोला होगा, आज तक किसी ने नहीं कहा कि ये हमारे पास पेशेंट है हेपेटाइटिस बी का, क्योंकि वो वायरस आया ही नहीं और मेडिसिन सबको दे दिया सरकार। बहुत लोगों ने ठुकवा लिए इंजेक्शन अपने अंदर, अपने बच्चों को भी ठुकवा दिए उन्होंने। वायरस कभी आएगा मालूम नहीं, और अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आने का चांस नहीं। क्यों? चांस इसलिए नहीं कि वो यूरोप से भारत अगर ट्रेवल करे तो 20,000 मील की दूरी है, इतना वो ट्रेवल कर नहीं सकता, बीच में ही मर जाएगा। तो फिर ये तमाशा क्यों फैलाया पूरे देश में, आपने हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगाओ, ये करो, ये करो, ये करो। टेक्नोलॉजी का अंतर अगर नहीं जाने ना तो ये दुष्परिणाम आता है। और इससे भी ज्यादा एक और खराब बात बताता हूं, आजकल एक पोलियो वैक्सीनेशन चल रहा है, मास वैक्सीनेशन चल रहा है, एक एक बच्चे को 5-5 बार दे दिया, 6-6 बार दे दिया, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 10 बार पी चुके हैं डोज को, और फिर भी अमिताभ बच्चन के पेट का पानी जो है ना बार बार हिलता रहता है, रोज टीवी पे आके चिल्लाता है और दे दो, और दे दो, और दे दो, छोड़ो मत इसको। क्या गजब बात, ये जो मास वैक्सीनेशन है ना, मैंने फिर आपसे कहा ये उन देशों के लिए जरूरी है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, तो वायरल ग्रोथ बहुत है, बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत है। तो यूरोप में मास वैक्सीनेशन होता है पोलियो के लिए, लैटिन अमेरिका में भी कुछ देशों में होता है, भारत में जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहां तो सूर्य का प्रकाश ही है जो सबसे बड़ी रक्षा करता है आपकी। अब पता है इसमें वैक्सीनेशन में करते क्या है, वो जिस वायरस से पोलियो होता है उसी को बच्चे के शरीर में डाल रहे, सेम वायरस। भारत में होता नहीं तो यूरोप से मंगा रहे हैं, पोलियो के सभी डोजेस यूरोप से आ रहे हैं, भारत के बच्चों में वो वायरस इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो उनका तर्क क्या है, वो लोहे को लोहा काटता है, वो पुराना जो तर्क है ना केमिस्ट्री का है, पता नहीं फिजिक्स का कहां का है, लेकिन ये तर्क है कि जब हम वायरस इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इसका एंटीवायरस डेवलप होगा शरीर में और वो बाहर से आने वाले पोलियो के वायरस को मार डालेगा। और मैं कभी कभी पूछता हूं कि मान लो वो बाहर वाला नहीं आया तो,
ये तो हम हाइपोथेसिस में बात कर रहे हैं ना कि बाहर से वायरस आएगा, बच्चे के शरीर में एंट्री करेगा तो एंटीवायरस जो उसकी कैपेसिटी है वो उसको मार डालेगी, लेकिन वो आया ही नहीं, एंट्री ही नहीं किया तो क्या करेगा? ये जो अंदर वायरस पैदा हो गए ये क्या करेंगे फिर? ये शांति से बैठेंगे? क्योंकि वायरस कभी भी कहीं शांति से बैठता नहीं, जहां भी है, बॉडी में है या बॉडी के बाहर, खुरापात है उसकी चालू रहती। तो बच्चे में आपने डाल दिया वायरस, अब बाहर से गया नहीं अंदर, अंदर वाले ने एंटीवायरस डेवलप किया तो जरूर वो बच्चा बीमार पड़ेगा, उसको फिर कोई डॉक्टर नहीं बचा सकेगा, और वो इतना गंभीर बीमार पड़ेगा कि शायद उसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन भी नहीं होगी, क्योंकि वो मेडिसिन बनाने के लिए फिर वही वायरस लगेगा और वो हमारे पास होगा नहीं, तो हम मेडिसिन कहां से लाएंगे फिर? तो हो सकता है कि आज जिन बच्चों का हमने मास वैक्सीनेशन किया, कल उनकी मास डेथ भी हो सकती है, फिर हम अपना सिर पीटेंगे, हाय हाय ये क्या हो गया। बिना अकल के जो नकल करे ना, ऐसे ही होता है। अब यूरोप और अमेरिका में वो मजबूरी है, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है इसकी। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों के ध्यान में जो बातें लाना चाहता हूं वो ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी किसी देश की जरूरत के हिसाब से होती है, जरूरत किसी दूसरे देश की वही हो ये आवश्यक नहीं है। हमारी जरूरतें अलग हैं, यूरोप की अलग है, उनकी जरूरतें हमारी नहीं हो सकती, हमारी उनकी नहीं हो सकती। तो जरूरत के हिसाब से जो बने वो टेक्नोलॉजी है, और जो जरूरत के हिसाब से ना बने वो सब कचरा है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ध्यान में रखने की बात है। और आप सब इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो कोई भी टेक्नोलॉजी पर काम करें तो ध्यान रखें वो भारत की जरूरत की है या नहीं। अगर वो टेक्नोलॉजी अपने देश की जरूरत नहीं है तो कभी भी उसको आगे ना बढ़ाएं, और अगर उस देश की जरूरत है तो पूरी ताकत से उसमें लग जाएं, शायद देश का भला हो जाए। अब जैसे एक दो और छोटे उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है इस समय गरीबी, और गरीबी का कारण है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हो, बेरोजगारी बढ़ती हो और गरीबी भी बढ़ती हो, तो वो हमारे लिए अभिशाप हो जाएगी टेक्नोलॉजी। आप भविष्य में जब काम करने के लिए तैयार हो तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का काम न करें जो इस देश में बेरोजगारी और गरीबी बढ़ाती हो। आप टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें जो रोजगार पैदा करती हो। आप बोलेंगे जी कैसे समझ में आएगा, एक सरल उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए एक टेक्सटाइल मशीन बनानी, आप में से जो मैकेनिकल के होंगे वो इस बात को थोड़ा जल्दी समझेंगे। हमको एक मशीन डिजाइन करनी, और ऐसी मशीन डिजाइन करनी है जिस पर 1 करोड़ मीटर कपड़ा एक दिन में बने, कल्पना करो। तो वो मशीन कैसी होगी? बहुत मेगा मशीन होगी, लार्ज स्केल की होगी, एनर्जी कंजम्पशन बहुत होगा, इन्वेस्टमेंट उसमें बहुत होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत होगा वगैरह। अब वो एक मशीन भीलवाड़ा में चले तो 1 करोड़ मीटर कपड़ा हर दिन में बनाएगी, तो भीलवाड़ा की छोटी मशीनें सब बेकार हो जाएंगी, और अगर वो बेकार हुई तो उनपे काम करने वाले लोग बेकार हो जाएंगे, क्योंकि एक ही मशीन एक दिन में इतना कपड़ा बना देगी जितनी 100 मशीनें बना रही हैं। तो वो 100 मशीनें तो आउटडेटेड हो गई, एक मशीन प्रोमिनेंट है। अब वो मशीन भारत के हर उस शहर में लग जाए जहां कपड़ा बनता है तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आपने एक मशीन डिजाइन करके दे दिया देश को जिसने लाखों लोगों को जॉब लेस कर दिया। अब आप पीठ थपथपाएंगे कि हमने तो बड़ा भारी काम किया टेक्नोलॉजी के फील्ड। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि छोटी छोटी मशीन डिजाइन करें, और इतनी छोटी मशीन डिजाइन करें जो एक दिन में 1000 मीटर कपड़ा बनाए, 500 मीटर कपड़ा बनाए, ताकि एक ही गांव में 10 मशीनें लगें, 20 मशीनें लगें, ताकि ज्यादा लोगों को उस पर रोजगार मिले। अंतिम लक्ष्य तो कपड़ा ही बनाना है ना। अब ये चॉइस हमारी है कि हम बड़ी मशीन पे बनाते हैं या छोटी मशीन पे। अगर छोटी मशीन पे कपड़ा बनता है तो ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, ज्यादा लोगों को काम मिलता है तो गरीबी कम होती है, गरीबी कम होती है तो परचेजिंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ती है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई बढ़ेगी तो और ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, और ज्यादा फैक्ट्रियां खुलेंगी, और ज्यादा रोजगार मिलेगा। तो हम कोई ऐसी मशीन डिजाइन करें जो छोटी हो, मिनिस्क्यूल लेवल पे काम करे, और वो ज्यादा लोगों को रोजगार दे। आज इंजीनियरिंग के सभी विद्यार्थियों के सामने यही चुनौती है कि वो भारत को कैसी टेक्नोलॉजी विकसित करके दें।
छोटी छोटी टेक्नोलॉजी पे अगर हम जाएंगे तो शायद इस देश का ज्यादा भला कर पाए। हमारे जो राष्ट्रपति है ना, आजकल बहुत बहुत चिल्लाते रहते हैं, भाई नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करो, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी माने मिनिस्क्यूल लेवल की टेक्नोलॉजी। और राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में तो यही टिकने वाली है नैनो टेक्नोलॉजी। ये बड़ी टेक्नोलॉजी वाले तो सब डूबने वाले हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, खर्चा बहुत है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत है, वगैरह वगैरह। और नैनो टेक्नोलॉजी में खर्चा बहुत कम है, एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है, और वातावरण के काफी कुछ अनुकूल है। और हमारे राष्ट्रपति बार बार कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक विकसित देश बनाना है, तो उसका रास्ता तो यही है कि हम स्मॉल स्केल टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करें। तो आपको जिस इंजीनियरिंग फील्ड में काम करने का मौका मिले, भविष्य में ये जरूर याद रखना कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाएं जो ज्यादा रोजगार दे, ज्यादा लोगों को काम पे लगाए। जो देशों ने अपने लोगों को काम दे दिया, बेरोजगारी को खत्म कर दिया, उसी देश की ग्रोथ रेट हो पाती है रियल, जैसे चीन ने किया। चीन एक ऐसा देश है जिसने अपने देश में एक सिद्धांत बनाया, मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाई मासेस। उत्पादन तो बहुत करना है, लेकिन अधिक लोगों की मदद से। थोड़े लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे, थोड़े लोगों की गरीबी दूर होगी। ज्यादा लोगों की मदद से उत्पादन करेंगे, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप ध्यान रखिए, आप भी बेरोजगार हैं और आप सभी को रोजगार की जरूरत है। तो आप अपने हाथों से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके ही पैर कट जाए। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में ना अपना समय खर्च करें जिसमें आपका भी रोजगार खत्म हो जाए। यूरोप और अमेरिका की तो दूसरी प्रॉब्लम है, उन्होंने ये जो हाई स्केल टेक्नोलॉजी बनाई है, मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं, बड़ी मशीनें लाई हैं, क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट तो और भी कम है। यूरोप में कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे डेनमार्क, नॉर्वे आदि आदि, वहां 100 आदमी मर जाते हैं तो एक ही पैदा होता है, उनके यहां हमेशा 99 की कमी रहती है। इसलिए वहां की सरकार रोज अभियान चलाती है, ज्यादा बच्चे पैदा करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो। फ्रांस में तो एक बच्चा ज्यादा होने पर 4000 फ्रेंक का पुरस्कार मिलता है। 4000 फ्रेंक आप समझते हैं, आज के भारत के 56 रुपए के बराबर। 4000 में 56 का गुणा करो, इतना इनाम मिलता अगर एक ज्यादा बच्चा पैदा करे। और तीसरा हो गया तो प्रमोशन मिल जाता है। अगर आप क्लर्क हैं तो सुपरिंटेंडेंट बना दिए जाएंगे, सुपरिंटेंडेंट हैं तो आपको इंचार्ज बना दिया जाएगा। वो लगे हैं इस बात में, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी ऐसी बनानी पड़ती है जो कम लोगों को काम पे लगा सके। हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है, इसलिए हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जो ज्यादा लोगों को काम दे सके। ये मेरा आपसे विनती है। और चलते चलते एक आखिरी बात, जहां से व्याख्यान मैंने शुरू किया था कि आज भारत देश के वंदे मातरम गान का 100वां वर्ष है। हालांकि 100वां वर्ष तो 1975 में होना चाहिए, लेकिन सरकार ने माना कि हम मानेंगे 1905 और 6 से, तो चलो ठीक है 2005-2006। अब अगले साल भर तक वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। वंदे मातरम गान मैंने बताया किस उद्देश्य के लिए आया था, बंगाल का विभाजन रोकने के लिए। और भारत के एक बड़े क्रांतिवीर लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन का नारा भी वंदे मातरम दिया था। लोकमान्य तिलक ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था बंगाल के विभाजन के विरोध में, और उस वंदे मातरम ने पूरे देश में एक लहर पैदा की थी। गांव गांव लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जला दिए थे, अंग्रेजी सामान बहिष्कार किया था, अंग्रेजों की हर चीज घर में से निकाल कर फेंको तो अंग्रेज सरकार यहां से जाएगी। ये बात जब लोकमान्य तिलक ने समझाई तो सबने मान लिया था। तो ये सन 2006 है ना, ये वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष है और स्वदेशी आंदोलन का भी शताब्दी वर्ष। अब इस शताब्दी वर्ष में वंदे मातरम की इज्जत हम बनाए रखें, सम्मान बनाए रखें, तो उसके लिए अपने जीवन में कुछ ऐसे काम करें जो उन क्रांतिकारियों ने किए जिन्होंने वंदे मातरम को अपना गाना बनाया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि 1905 और 6 में वंदे मातरम और स्वदेशी की जितनी जरूरत थी, 2005 और 6 में भी उतनी ही जरूरत। 1905 और 6 में यह वंदे मातरम और स्वदेशी आंदोलन आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। आज हमारे भारत में सन 2006 है, 4500 विदेशी कंपनियां आ चुकी हैं, फिर से इस स्वदेशी आंदोलन की जरूरत है। 4500 जो विदेशी कंपनियां आई हैं, पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब 4500। इन विदेशी कंपनियों ने हमारे देश को वैसे ही लूटना शुरू किया है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सामान भारत में बेचती थी, मुनाफा लेके इंग्लैंड जाती थी।
आज ये विदेशी कंपनियां हैं वो भी भारत में सामान बेचती हैं, मुनाफा लेके अपने देश में जाती, हमारे देश का लाखों करोड़ों रुपए विदेश जा रहा है। और ये जो 4,500 विदेशी कंपनियां हैं इनके कुछ नाम है, जैसे पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोले, प्रॉक्टर एंड गैम्बुल, रैकेट एंड कोलमैन, जॉनसन एंड जॉनसन, सीबा गाइगी, सेंडोज, बाटा, हेक्स्ट आदि आदि। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वंदे मातरम गाने वाले जो भारतवासी थे वो सब अंग्रेजी माल का बहिष्कार करते थे, तो आप वंदे मातरम गा रहे हैं तो इन विदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर, इनका सामान मत खरीदे, क्योंकि ये खरीदेंगे और हम वंदे मातरम गाएं ये कॉन्ट्रडिक्शन है, चलेगा नहीं। हम वंदे मातरम के बाद भारत माता की जय बोलते हैं, तो भारत माता की जय हो इसके लिए जिंदगी में कुछ करिए, खाली जय बोलने से काम नहीं चलेगा, भारत माता की जय सच में हो तो कुछ करिए। तो भारत माता की जय करने के लिए सबसे सरल काम है कि ये विदेशी कंपनियां जो बहुत सारा पैसा लेके जा रही है इसको रोकिए, और अगर ये पैसा हमने रोक लिया तो इसी पैसे से भारत का बहुत विकास हो सकता है। तो विदेशी वस्तुएं मत खरीदिए, माने पेप्सी कोला कोका कोला मत पीजिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं में तो क्वालिटी है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे कई बार समझा चुका हूं कि टेक्नोलॉजी अच्छी और बुरी नहीं होती है, अप्रोप्रिएट होती है। उनके लिए हो सकता है पेप्सी कोला बहुत अच्छा हो यूरोप और अमेरिका के लिए, हमारे लिए नहीं, क्योंकि उनको पेप्सी कोला पीने से ही शायद कोई काम होता हो अच्छा। जैसे वो सब लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा और बर्गर समझते हैं सड़े मैदे से बना हुआ खाद्य पदार्थ, फर्मेंटेड मैदा। अब फर्मेंटेड मैदे को डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड की बहुत जरूरत है जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में बहुत होता है, इसलिए शायद उनको पीने की जरूरत पड़ती हो पेप्सी कोक की। भारत में नहीं है, भारत में तो हम ज्यादा पिज्जा बर्गर खाते नहीं है, जो खाते हैं वो ध्यान रखें कि फॉस्फोरिक एसिड गर्म देश के लोगों को अच्छा नहीं है। ठंडे देश के लोग फॉस्फोरिक एसिड पिए तो कोई बात नहीं है, गर्म देश वाले पिएंगे तो कैंसर से मर जाएंगे। और भारत में तो फॉस्फोरिक एसिड के दो ही उपयोग होते हैं, या तो वो पेप्सी कोक में डाला जाता है या उससे हार्पिक बनता है, और हार्पिक की क्वालिटी क्या है वो आप सब जानते हैं, उससे टॉयलेट साफ होता है। और हार्पिक में जितना फॉस्फोरिक एसिड है ना उतना ही पेप्सी कोक में है। एक बार मैंने हार्पिक का पीएच वैल्यू निकाला डिजिटल पीएच मीटर से, वो 2.4 आता है। फिर मैंने पेप्सी का पीएच वैल्यू निकाला, वो भी 2.4 आता है। तो मैंने सोचा पेप्सी इज इक्वल टू हार्पिक, हार्पिक इज इक्वल टू पेप्सी, तो हार्पिक से टॉयलेट साफ हो सकता है, पेप्सी से भी होना चाहिए। तो मैंने करके देखा और बहुत अच्छा साफ हुआ। एक बार मैंने क्या किया, एक महीने तक मेरे घर का टॉयलेट साफ नहीं किया तो वो गंदा गंदा बहुत गंदा, इतना गंदा कि उसमें पीला पीला कचरा जमा हो गया। फिर मैं एक बोतल पेप्सी लाया, टॉयलेट पॉट पे स्प्रे किया, 2 मिनट के बाद पानी से धोया तो एकदम झकाझक सफेद, व्हाइट एंड व्हाइट, नीट एंड क्लीन। उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, आमिर खान कहता ठंडा मतलब कोका कोला, वास्तव में है वो टॉयलेट क्लीनर। अब हम वो टॉयलेट क्लीनर पिए घटाघट घटाघट, और अकेले नहीं पिए, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाएं। एक तरफ हम कहते हैं मेहमान देवता होता है, देवताओं को ही संडा साफ करने का पानी पिलाते, अच्छा नहीं है। और आप ध्यान से टेलीविजन न्यूज देखते, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज आया कि पेप्सी कोक में पेस्टिसाइड्स मिले हुए, और पता कौन से पेस्टिसाइड, डीडीटी। डीडीटी देखा, वो मच्छर मारने के काम, वो पेप्सी कोक में है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड माने गेमेक्सिन पाउडर जो हर कीचड़ पर डाला जाता है कीड़े मारने के लिए। फिर क्लोरोपाइरीफॉस, क्लोरोपाइरीफॉस माने किसानों के खेत में जब कोई कीड़ा लगे तो उसको स्प्रे करते हैं। डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, ऐसा जहर मिला के पेप्सी तैयार होता है। और जिन वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया वो ये कहते हैं कि पेप्सी की एक बोतल रोज पियो तो 7 साल में कैंसर से डेथ हो सकती, और कैंसर भी इंटेस्टाइन में। कई वैज्ञानिक तो ये तक बोलते हैं कि पेप्सी कोक का एक इंजेक्शन माने 10 मिलीलीटर पेप्सी किसी को ब्लड में इंजेक्ट कर दो तो 15 मिनट में हार्ट अटैक आ सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि अगर कोई गर्भवती मां 2 बोतल कोका कोला पिए तो गर्भ में जो शिशु है ना वो विकलांग पैदा होगा। कुछ वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि पेप्सी कोक की 2-2 बूंद अगर आंख में डाल दो तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, और अगर दांत डाल दिया पेप्सी की बोतल में तो दांत गल जाता है।
दांत कभी भी किसी चीज में नहीं गलता, किसी भी एसिड में दांत नहीं गलता फॉस्फोरिक एसिड को छोड़कर। आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खराब है, उसमें भी दांत नहीं गलता, सल्फ्यूरिक एसिड में भी दांत नहीं गलता, सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड, और फॉस्फोरिक एसिड ही है पेप्सी कोक में मिला है, तो मत पीजिए इसको, अच्छा नहीं। तो आप बोलेंगे क्या पिए, गन्ने का रस, मौसमी का रस, दही की लस्सी, गाय का दूध, संतरे का रस, दही की लस्सी, गाय का दूध ना मिले तो घड़े का पानी सबके पास है, टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट उसके नहीं, तो उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। और जितना बने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देख के कुछ मत करें। उदाहरण के लिए फेयर एंड लवली, हाँ बहुत लोग कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, क्या है वो गोरापन लाती है। आप जरा सोचो फेयर एंड लवली से सब गोरे होते तो अफ्रीकन लोग काले क्यों हैं अभी तक। और एक बार इसका परीक्षण करने के लिए मैंने क्या किया, एक भैंस को 4 साल फेयर एंड लवली लगाया, रगड़ रगड़ के लगाया, आज तक गोरी नहीं हुई, काली की काली। आप जानते हैं कि स्किन का कलर काला या गोरा होना ये ब्लड में मिले हुए केमिकल से होता है जिसको मेलेनिन कहते हैं, और मेलेनिन जो है ना डीएनए से फिक्स होता है, और डीएनए माता पिता से फिक्स होता है, इसलिए कोई स्किन अपनी चेंज नहीं कर सकता कभी भी लाइफ में। कोई काम करिए स्किन कलर चेंज नहीं होगा, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है दुनिया। ये जो फेयर एंड लवली है ना, इसके खिलाफ हमने केस किया हुआ है। मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ इंजीनियरिंग में पढ़ता था, हम हॉस्टल में साथ में रहते थे, वो तमिल है, तमिल लोग कितने काले होते हैं आप सब जानते हैं, उल्टा तवा रख दो इतने काले होते, तो वो भी ऐसा ही है। और वो जितने साल मेरे साथ रहा, 7 साल हम हॉस्टल में रहे, रोज फेयर एंड लवली रगड़ता था, दिन में 3-3 बार। मैंने कहा भाई अभी तुमको 7 साल हो गए, कब बंद करोगे इसको? उसने कहा गोरापन नहीं आ रहा है। मैंने कहा 70 साल में भी नहीं आएगा? तो उसने कहा यार मेरे घर में भी यही समस्या है, वो भी सब रगड़ते हैं, वो भी गोरे नहीं हो रहे। तो मैंने कहा कितने दिन और वेट करोगे? तो एक दिन उसको लगा कि अब बंद करना है। मैंने कहा पहले केस करो इसके खिलाफ। तो मद्रास हाई कोर्ट में उसने केस फाइल किया, और उसने अदालत में कहा कि मैं इतने साल से ये क्रीम लगाता हूं, आज तक गोरा नहीं हुआ, और ये रोज विज्ञापन करते हैं कि इससे गोरापन आता है, मुझे हर्जाना दिलवाइए, और मुझे जो नुकसान हुआ है वो भी। बहुत इंटरेस्टिंग केस था। अदालत ने नोटिस इशू किया, कंपनी के अधिकारी आए, उनको पूछा गया कि आप इसमें क्या केमिकल मिलाते हैं जो काले रंग को गोरा बनाए? तो उन्होंने कहा इसमें कुछ केमिकल नहीं है, ये सिंपल क्रीम है। तो फिर आप ऐसा क्यों विज्ञापन करते हैं? तो उन्होंने कहा भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का, तो हम बोल रहे हैं। तो अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया, तो पूरे तमिलनाडु में फेयर एंड लवली बंद हो गया। अब वो विज्ञापन करते हैं अखबार में तो कहते हैं फेयर एंड लवली नॉट फॉर सेल इन तमिलनाडु, लेकिन वो भीलवाड़ा में बिकता है, और हम में से बहुत लोग रगड़ रगड़ के लगाते और फिर सोचते हम बहुत स्मार्ट है। स्मार्टनेस क्रीम से नहीं आती, पाउडर से भी नहीं आती, स्मार्टनेस गुण कर्म और स्वभाव से आती है। आपके गुण अच्छे करिए, कर्म अच्छा बनाइए, आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे। ये कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल मत करिए, और फालतू ये जो टूथपेस्ट वगैरह के विज्ञापन आते हैं, कॉलगेट वगैरह, ये भी मत करिए, क्योंकि कॉलगेट के बारे में आप एक सच्चाई नहीं जानते। दुनिया में सबसे बड़ी अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो कॉलगेट के रैपर पे अमेरिका में वार्निंग प्रिंट करते हैं, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। और कॉलगेट के बारे में जो वार्निंग प्रिंट होती है वो ऐसे होती है, प्लीज कीप आउट दिस कॉलगेट फ्रॉम द रीच ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, माने इस टूथपेस्ट को 6 साल से कम उम्र के बच्चों को मत दो। फिर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल इंजेशन कॉन्टेक्ट इमीडिएटली पॉइजन कंट्रोल सेंटर, माने गलती से बच्चे ने ले लिया तो हॉस्पिटल लेके जाओ उसको। If you are adult, then take the paste on your brush only in pea size at your own risk. आप अगर बड़े आदमी है तो बहुत थोड़ी मात्रा में ब्रश पर पेस्ट लगाओ और अपनी जिम्मेदारी पे लगाओ, सरकार जिम्मेदार नहीं, अगर मरते हो तो मर जाओ। और ये वार्निंग वो प्रिंट करते हैं क्योंकि कॉलगेट कैंसरस है, और सभी डेंटिस्ट कहते हैं कि सिर्फ कॉलगेट ही नहीं, मैक्सिमम टूथपेस्ट कैंसरस है, क्योंकि सभी टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट मिलाया हुआ, जिसकी मात्रा मैंने आपको बताई, 1 लीटर खून में 0.05 मिलीग्राम अगर SLS है तो कैंसर। बंबई आना, बंबई के सभी रेलवे स्टेशन में नीम का दातुन बिकता है, और बंबई शहर में 5,000 गरीबों को उससे रोजगार मिलता है। अगर ये बंबई में हो सकता है तो भीलवाड़ा में भी हो सकता है।
तो आप कोशिश करिए दातुन करें, नहीं तो दंत मंजन करिए। और आजकल ये चिकनगुनिया फैला हुआ है ना, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति भी नीम का रस पी सके उनको चिकनगुनिया होने की कोई संभावना नहीं। और आयुर्वेद की सबसे अच्छी दवा चिकनगुनिया की नीम के रस से ही बनती, इतना ताकतवर है। तो नीम का दातुन करिए, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां नहीं आएंगी, दांत भी साफ हो जाएंगे। जितना बने उतना टीवी एडवर्टाइजमेंट देख के मत खरीदिए कुछ भी। सभी भाइयों से निवेदन है कि शेव करनी है ना तो शेविंग क्रीम मत लाइए, बिना शेविंग क्रीम के शेव बनाए। थोड़ा गर्म पानी लीजिए, थोड़ा दूध चेहरे में रगड़िए, रेजर चलाइए, बहुत क्लीन शेव बनती है। और इसके चार फायदे हैं। पहला फायदा, ब्लेड का खर्चा कम होता है, क्योंकि दूध लगाएंगे ना तो मैंने आपसे कहा ना सरफेस टेंशन कम हो जाता है। दूध का ताकत है सरफेस टेंशन कम करने की, तो स्किन पे लगाया सरफेस टेंशन कम होगा, तो जो बाल है ना ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो रेजर चलाओ तो ब्लेड आसानी से चलता है, तो दाढ़ी बनाने में ब्लेड का खर्चा कम हो जाता है। अगर आप शेविंग क्रीम से दाढ़ी बनाओगे तो एक ब्लेड से चार बनेगी, और दूध से बनाओगे तो 10-12 बार बनेगी। और दूध चूंकि सरफेस टेंशन कम करता है तो डस्ट पार्टिकल भी बाहर निकलेंगे, तो स्किन आपकी एकदम साफ रहेगी, आपका चेहरा चमकेगा, आप सब फोकट में स्मार्ट बन जाएंगे। कल से ही मिल्क शेविंग शुरू कर दो। फिर आप कहोगे जी मिल्क नहीं है, तो दही ले लो, दही से दाढ़ी बनाओ। और दही से जो मक्खन निकालते हैं ना मठा बना के, उससे तो सुपर बेस्ट क्वालिटी शेव होती। और कोई सैलून में जाओ ना तो उससे भी कहो मिल्क शेविंग करो, दूध से दाढ़ी बनाओ, तो ये फैशन हो जाएगी। तो अब तक तो हम दूध से नहाते थे, अब दूध से दाढ़ी भी बनाएंगे, दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, देश भी अमीर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ काम करो। यही काम कभी भगत सिंह ने किए थे, कभी चंद्रशेखर ने किए थे, कभी लोकमान्य तिलक ने किया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था और तब वंदे मातरम गाया था। मेरा भी आप सबसे कहना है कि आप भी स्वदेशी आंदोलन की भावना को अपने जीवन में जिंदा रखो, तो ये वंदे मातरम गाना बहुत सार्थक होगा। जितना बने अपने जीवन में एक संकल्प रखो, बी इंडियन बाय इंडियन। अगर आप अपने जीवन में ये संकल्प लेके आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ आपको होगा, देश को होगा। और भारतीय बने तो भारतीय बनने के 5 आधार है। जितना बने भारतीय वस्तुओं का उपयोग, ये पहला आधार। जितना बन सके भारतीय भोजन खाना, माने विदेशी भोजन नहीं खाना क्योंकि वो हमारे अनुकूल नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे काम की नहीं, माने पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग नहीं खाना। नाम भी विचित्र है, हॉट डॉग गरम कुत्ता, कोल्ड डॉग ठंडा कुत्ता, वो सब खाना अपने काम का नहीं, तो ये नहीं खाना। फिर आप बोलेंगे भारत का खाना बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ इतने सारे अच्छे अच्छे भोजन है, दक्षिण भारत का खाओ तो दक्षिण का, उत्तर का खाओ उत्तर का, पश्चिम का खाओ, हर एरिया का भोजन विशिष्ट। तो भारतवासियों को ये पिज्जा बर्गर नहीं। तो भारतीय भोजन करो, भारतीय वस्तुओं का उपयोग, और भारतीय भाषा का उपयोग करो, ज्यादा विदेशी भाषा का प्रयोग मत करो। कम से कम आपस में बातचीत करें ना तो मातृभाषा में करो। आपकी कक्षाओं में आप पढ़ते हो अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है, वो आपकी मजबूरी है क्योंकि भारत में अभी तक सिलेबस हिंदी में नहीं बना, जिस दिन बन जाएगा तो हिंदी में भी पढ़ाएंगे। मैंने तो देखा है फ्रांस के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रेंच में ही पढ़ाते हैं, जर्मनी में जर्मन में पढ़ाते हैं, चीन में चाइनीज में पढ़ाते हैं, जापान में जापानीज में पढ़ाते हैं। भारत ही अकेला देश है जहां के इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल में अंग्रेजी में पढ़ाते, क्योंकि हमने आज तक उसको कोशिश नहीं की हिंदी करने। अगर हिंदी कल को हो गया तो हम हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन क्लासरूम के बाहर जब आप निकलते हो तो अंग्रेजी ज्यादा प्रयोग मत करो, हिंदी में बात करो। और अंग्रेजी नाम कभी मत रखो अपने, और अगर हैं तो उनको बदल दो। कई घरों में इस तरह के नाम है, टिंकू, डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, डब्लू, बबलू। अच्छा बबलू का मतलब बताओ, बबलू क्या मतलब है? टिंकू, टिंकू का अर्थ मालूम है? टिंकू, जिनके अर्थ नहीं मालूम वो क्यों चिल्लाते रहते हो? और मुझे तो बहुत दुख होता है ये सुन के, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। ये फालतू अंग्रेजी नाम मत रखो, और अगर इनका अर्थ मालूम हो ना तो खुद ही शर्म आएगी। टिंकू का अर्थ वेबस्टर डिक्शनरी में देखो, वेबस्टर डिक्शनरी सबसे पुरानी डिक्शनरी है इंग्लैंड की, उसमें टिंकू का मतलब है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने मां की ना सुने वो टिंकू है। तो सोचो होने का है टिंकू,
फालतू ये सब नाम मत। आपके जो भारतीय नाम है ना, वो अपने नाम बोलो और वही बोलने के लिए दूसरों से कहो। और घर में ज्यादा अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल मत करो। जैसे बहुत लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन आधे पढ़े लिखे, पूरा नहीं जानते, वो क्या कहते हैं, कई बार मुझे कहते हैं, ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं, रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि मिसेज का अर्थ है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला, वो मिसेज होती है। धर्म पत्नी मिसेज नहीं। और मिस्टर इसका उल्टा, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष वो मिस्टर होता है। और मिस तो बहुत खराब शब्द। आज शाम को मेरा एक व्याख्यान है 7:30 बजे, आप जरूर आना। उसमें मैं बहुत डिटेल बताने वाला हूं, मिस्टर क्या है, मिसेज क्या है, मिस क्या है, आंटी क्या है, अंकल क्या है, सन इन लॉ कौन होता है, फादर इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ कौन होता है। ये सब इंग्लैंड से आई हुई जो शब्दों की परिभाषाएं है ना, हमारे यहां फिट नहीं बैठते। उन्होंने अपने हिसाब से कुछ बनाया है। आंटी अंकल उनके यहां है क्योंकि रिलेशनशिप में बाकी कोई नहीं है, इसलिए आंटी अंकल है। हमारे यहां तो सब कुछ फिक्स है, इसलिए ज्यादा अंग्रेजी इस्तेमाल मत करो। और अंग्रेजी इस्तेमाल ना करें तो भारतीय भाषा और भारतीय भूषा, माने पहनावा भारतीय रखो, क्योंकि हमारे आबो हवा के अनुकूल वही है। इंग्लैंड का पहनावा यहां मत पहनो, वहां टाई लगाते हैं, आपको जरूरत नहीं है टाई लगाने की। और वो टाई इसलिए लगाते हैं कि सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दी होती है तो सर्दी जुकाम बहुत होता है, रनिंग नोज रहती है, तो बेचारे पहले जेब से रूमाल निकाल निकाल के पोंछते थे, रखते थे, फिर उन्होंने सोचा एक गले में ही लटका लो, इसके लिए टाई आई। हमारे यहां किसी की रनिंग नोज नहीं होती क्योंकि यहां ठंडी नहीं है इतनी, हमको टाई की जरूरत नहीं, और थ्री पीस सूट की तो बिल्कुल जरूरत है। कोशिश करो भारतीय भूषा, भारतीय भाषा, भारतीय भोजन, अंत में भारतीय भजन माने संगीत। संगीत अपने भारत का सुनो और उसी को आगे बढ़ो। और बन सके तो एक आखिरी, भारतीय भेषज, भेषज माने औषधि, मेडिसिन। अगर बीमार पड़ो तो भारत की दवाएं खाओ, ये यूरोप से दवाएं जो आई हैं वो मत खाओ। यूरोप से क्या आया, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनालजिन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, ये सब दवाएं यूरोप से आई हैं और वहां के लोगों की जरूरत के हिसाब से है। मैंने कहा ना ठंड बहुत है तो दवाएं सब गर्म बनाई जाती हैं, ज्यादा गर्म दवाएं होती हैं। अब भारत में गर्मी बहुत है, गर्म देश के लोग गर्म दवाएं खाएं तो साइड इफेक्ट बहुत है। ज्यादा अंग्रेजी दवा खाओगे मुंह में छाले हो जाएंगे, गले में छाले हो जाएंगे, और ज्यादा खाओगे अल्सर हो जाएगा, अल्सर से भी आगे गए तो पेप्टिक अल्सर होगा, बाद में कैंसर हो जाएगा। इसलिए ये फालतू विदेशी दवाएं नहीं। फिर आप बोलोगे बीमार पड़े तो क्या करें, घर में बहुत सारी दवाएं हैं वो आप इस्तेमाल करो। जैसे सर्दी जुकाम हुआ ना तो अपने घर में सबसे अच्छी दवा हल्दी, हल्दी को पानी में डालो, पानी को उबालो, उसको पियो, नहीं तो दूध में डाल के पियो। सर्दी के साथ खांसी हो गई तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो, दोनों को पानी में उबाल के वो पी लो। सर्दी खांसी बुखार तीनों आ गए तो हल्दी ले लो, अदरक ले लो और थोड़ा सा तुलसी के पत्ते का रस निकालो, तीनों मिलाकर पी लो। अगर पैर दुखते हैं, कमर दुखती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है हड्डियों में, तो चूने का पानी आता है उसको दही में मिला के रोज खा लो। केले ज्यादा खाओ जिनको हड्डियों में दर्द होता है, केला, केले में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, हड्डियों में दर्द का कारण है कैल्शियम की कमी। चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, चूने के पानी में कैल्शियम है, दही में मिला के खाओ। और अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती है तो रोज रात को गाय का दूध घी मिला के पीकर सो, बहुत अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी लेने के लिए हमेशा पूर्व की दिशा में सिर करके सो, ईस्ट जो होता है ना पूर्व, उधर अपना सिर करो, पश्चिम में पैर करो, बहुत अच्छी नींद आएगी। और अगर ब्रेन आपको अच्छा बनाना है, हाइपर एक्टिव बनाना है, ताकि आप एक बार में ही एक चीज याद कर सके, तो 5 मिनट रोज एक छोटा सा काम करो, राइट नॉस्ट्रल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, प्राणायाम कहते हैं, वो ही करो। एक नाक बंद करो दाहिनी, बाई नाक से सांस भरना छोड़ना, लंबी सांस भरो, लंबी सांस छोड़ो। चंद्र नाड़ी बहुत सक्रिय होती है, ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है। और इसका उल्टा किया, लेफ्ट को बंद किया, राइट से नॉस्ट्रल को ज्यादा चलाया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ब्रेन। ये जो लोग मर्डर करते हैं ना, मर्डर करते हैं, चाकू चलाते हैं, छुरा चलाते हैं, गाली बकते रहते हैं, इन सब का राइट नॉस्ट्रल हाइपर एक्टिव होता है, बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा कुछ भी चीज तोड़ फोड़ते रहते हैं। और जिनकी इंटेलिजेंसी ज्यादा है, शांत है, समझदार है, इंटेलिजेंट है, उनकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होती है।
तो हम ये कर सकते हैं, 5 मिनट की एक्सरसाइज रोज करें। और चलते चलते एक आखिरी बात कि बीमार मत पड़ो ज्यादा, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। भारत में एक सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामय, सब सुखी हो माने कोई दुखी नहीं, माने कोई बीमार नहीं। बीमार नहीं होना है तो 4 काम करो, मैं भी वही करता हूं स्वस्थ रहने के लिए। पहला काम, खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पियो। पानी कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद मत पियो, 1 घंटे बाद पियो। क्यों? क्योंकि आप जब खाना खाते हैं ना तो पेट में कई तरह के एसिड्स बनते हैं, खासकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा बनता है, वही खाने को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसेंट्रेटेड फॉर्म में हो तो एक्शन अच्छा करता है, लेकिन जैसे ही खाने के बाद आप पानी पियेंगे वो डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूटेड फॉर्म में वो डाइजेशन नहीं कर पाता, तो खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और खाना सड़ता है तो फिर कई तरह के रोग पैदा होते। इसलिए खाने के बाद पानी नहीं पीना, 1 घंटे बाद पीना। दूसरा है, पानी हमेशा सिप करके पीना, घूंट भर के पानी पीना, 1 सिप किया, फिर दूसरा सिप, फिर तीसरा सिप, क्योंकि मुंह में हमेशा लार बनती है, सिप करके पानी पिए तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, और लार वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती। तीसरा नियम है, ठंडा पानी नहीं पीना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, पानी नॉर्मल टेम्परेचर का पीना या ल्यूक वॉर्म। और चौथा है, सुबह सुबह जब सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीना, उठते ही पानी पीना, चाय नहीं पीना कभी। जो लोग अपने दिन की शुरुआत पानी से करते हैं उनकी जिंदगी लंबी होती है और बीमारियां कम होती हैं, जो उठते ही चाय से दिन शुरू करते हैं बीमारियां बहुत होती हैं, जिंदगी भी छोटी होती है। तो चाय ना पी के पानी पीना। तो ये 4 नियम का पालन करो, मैं भी करता हूं, आप सुखी स्वस्थ रहोगे। मैं 18 साल से बीमार नहीं हुआ, हाँ, और पिछले 6 महीने का तो कहानी ये है कि चिकनगुनिया भारत में फैला है, 70,000 मरीजों को मैंने मेडिसिन दी है, मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कारण उसका कुछ खास नहीं है, रेजिस्टेंस अच्छा है मेरा। रेजिस्टेंस अच्छा होने के लिए यही 4 नियम का पालन मैं कर रहा हूं, आप भी करो, आसान है, खर्चा कुछ भी नहीं। और यही नियम अपने घर के लोगों को भी बताओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुखी और स्वस्थ बनाओगे तो आपका भी भला, देश का भी भला। तो इस वंदे मातरम के शताब्दी वर्ष में, स्वदेशी आंदोलन के शताब्दी वर्ष में, हम अपने जीवन को स्वदेशी बनाएं, भारतीय बनाएं, ऐसी अभीष्ट कामना के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने जितना कुछ सुना इस पर कभी आपके मन में कोई प्रश्न आए तो आप जरूर पूछना, मेरा ईमेल एड्रेस मैं आपको देता हूं, मेरा पोस्टल एड्रेस देता हूं, फोन नंबर देता हूं, कभी भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई चिट्ठी लिख सकते हैं, और जरूरत हो और इमरजेंसी हो तो फोन भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आप चाहो तो लिख लो, बहुत सरल है, राजीव दीक्षित, 1 वर्ड है, इसमें कहीं कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, ब्रेक कहीं भी कुछ नहीं है, RAJIVDIXIT, और उसके आगे कंटिन्यूटी में ABA RAJIVDIXIT ABA, ये 1 वर्ड है, @rediffmail.com, REDIFFMAIL rediffmail.com, राजीव दीक्षित ABA@rediffmail.com, और पोस्टल एड्रेस है राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्धा, बस सफिशियंट है। सेवाग्राम गांव का नाम है, वर्धा जिला है, राज्य महाराष्ट्र है, मैं वहीं रहता हूं, इतना लिख के डाल दोगे चिट्ठी पहुंच जाती है। और फोन नंबर चाहे तो लिख सकते हैं 9448114531, लेकिन फोन कोई इमरजेंसी हो तभी करना, 9448114531, और ये मेरा रोमिंग है इसलिए इसमें 0 आगे लगेगा। तो आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उत्तर देने की। और आपके जीवन में कहीं कोई दुख तकलीफ आ जाए, कोई संकट में आप फंस जाए, जरूर मुझे एक फोन या ईमेल करना, मैं कोशिश करूंगा उसका कोई समाधान हो, ताकि आप बढ़ें और देश आपके साथ आगे बढ़े। आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। एक ही मिनट आपका समय लूंगा, मैंने आपसे कहा था व्याख्यान के बीच में, आज शाम को 7:30 बजे इसी हॉल में एक बहुत सीरियस लेक्चर में देने जा रहा हूं, भारत और यूरोप, सभ्यता और संस्कृति का अंतर। आपको तो मैंने टेक्नोलॉजी का अंतर समझाया, शाम को सिविलाइजेशन का अंतर क्या है, कल्चर में अंतर क्या है, वो भी मैं बताने वाला। अगर आप आना चाहें तो जरूर आइए, और आपके माता पिता और परिवार के भाई बहन के साथ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है, सीटें पर्याप्त है, तो आइए, मौका मिले। हॉस्टल में रहते हैं तो जल्दी आइए, क्योंकि वहां आपको दूसरा कोई बंधन नहीं है, लेकिन परिवार में है तो उनके साथ आइए। शाम को 7:30 बजे वो होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स की मैं चर्चा उसमें करने वाला हूं,
खासकर यूरोपियन डॉक्यूमेंट्स जो आप जाने और समझे तो भविष्य में शायद आपके बहुत काम आएंगे, देश के भी काम आएंगे। और मैंने जो कुछ बताया आपको, छोटी छोटी कुछ बातें कि हल्दी से आप जुकाम ठीक करिए, अदरक से खांसी ठीक करिए, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली कुछ पुस्तकें हैं जो बाहर गेट पर एक स्टॉल में रखी हैं। आप चाहें तो वो लेके जा सकते हैं। किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपी राइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। मने अच्छा लगे तो दूसरों को भी आप बता सकते हैं। और इन्हीं सब विषयों पर कुछ सीडी बनाई है 40 घंटे की, क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा है। मैंने आपको 2 घंटे में कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा सुनना हो तो वो आप सीडी ले सकते हैं और उसकी कॉपी कर करके ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। वो सीडी MP3 फॉर्मेट में है, कंप्यूटर पे अच्छे से चल सकती है और MP3 प्लेयर पे, नहीं तो DVD प्लेयर। आभार, धन्यवाद।